Well, welcome back. So very good morning everyone once again. So दोस्तों, we are starting with a new subject जिसका नाम है strategic management. EIS के खत्म होने के पश्चात now we are starting with strategic management, something which is different, not at all linked with EIS. EIS is all about computer, whereas SM is all about business. हमें जानना होगा कि कैसे हम लोग business को और अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, कैसे और अच्छे से कर सकते हैं. यहाँ पे धंधा नहीं बदलेगा, धंधे करने के पूरे तरीके बदलेंगे. Strategic management subject is all about business, और मुझे लगता है this is the one of the most interesting subject of CA intermediate. इस subject का पढ़ने का मजा ही कुछ अलग है. जैसे कि हम लोग EIS में जब पढ़ते थे, we have to imagine lot of things. ये वो सारी चीजें हम लोग को कंप्यूटर की दुनिया की वो सिखाई जाती है जो हमारी जिंदगी में बहुत रेगुलरली कनेक्शन में नहीं आती. पर जब मैं SM की बात करता हूं तो आपको ये अपने रियल लाइफ जिंदगी से हम लोग कनेक्ट आराम से करा सकते हैं. इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि आज जो भी विकास SPC क्लासेस का हुआ है, आज जो भी SPC आज है, इट्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इज डन बाय SM ऑल्सो. ऐसा मैंने EIS में भी कहा था और ऐसा मैं SM में भी कह रहा हूं कि जब मैं आज मैं यहां पे आपके सामने लेक्चर दे रहा हूं और जगह जगह पे लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट EIS टेक्नोलॉजी से जा रहा है. बट ये जो थॉट्स होते हैं कि मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करना है या मुझे कुछ एक्सपेंशन करना है या मुझे कैसे तरीके से एक्सपेंशन करना है, कैसे और ज्यादा मार्केट शेयर बढ़ाना है, ये सारी बातें मुझे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट समझाता है. दोस्तों, आज जितने भी बड़े बड़े लोग आप दुनिया में देखते हो, दुनिया के सारे रिचेस्ट लोग जो है, दे हैव बिकम रिचेस्ट ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर मुकेश अंबानी आज जो मुकेश अंबानी बने, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. अगर इलॉन मस्क आज जो इलॉन मस्क बना है, या फिर हम लोग कहते हैं अमेजॉन जो इतना बड़ा है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हैज प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये आपको सिखाता है कि आपने बिजनेस कैसे करना चाहिए, आपने अपने विजन कैसे बनाना चाहिए, विजन को अचीव कैसे करना है. ये आपको सपने दिखाता है, और सपने दिखाने के सपनों को अचीव कैसे करना वो भी दिखाता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है. ये पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, पर रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं अगर आपको ये सब्जेक्ट जब पढ़ाता हूं तो आपके दिमाग में एकदम से ज्ञान आना चाहिए कि यार मुझे इंसान से CA बनना नहीं है, मुझे एक कामयाब CA बनना है, मुझे पैसे भी कमाना है, मुझे अपना दौलत शौहरत सब कुछ चाहिए. तो अगर आपको दौलत चाहिए, शौहरत चाहिए, अपना नाम चाहिए CA के डिग्री के साथ में, तो SM सब्जेक्ट का आपके साथ में होना बहुत जरूरी है. हर रोज आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ यहां से लेकर जा रहे हो. अगर मैं आपको पहले लेक्चर में आप समझा रहा हूं, अगर आप ये SM के 50 मार्क के लिए पढ़ रहे हो तो आप इसके विचार से बाहर आइए. ये सब्जेक्ट में ज्ञान है, इतना ज्ञान है जो आप अपने जीवन में यूज कर सकते हो. जब भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपने आपके बारे में सोचना चाहिए कि जो मेरा ड्रीम बिजनेस है, कैसे इन स्ट्रेटजीज को मैं अपने ड्रीम बिजनेस में यूज कर पाऊंगा. यानी कि आपको अपने थॉट्स एक दिमाग में लाना कि मुझे ये टाइप का बिजनेस करना है. और मैं आज ही आपको कह रहा हूं दोस्तों कि ये सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है एक तो आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या किसी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए. जैसे आप बोलेंगे मैं तो CA हूं तो मुझे थोड़ा ना बिजनेस करना है. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो CA बनने के बाद बिजनेस करते हैं, उनके तो बहुत काम में आएगा. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो CA बनने के बाद में प्रैक्टिस करेंगे, तो आप कहेंगे फिर प्रैक्टिस वालों को क्या जरूरत है. प्रैक्टिस वालों को दूसरों के बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करना होगा, क्योंकि आपके क्लाइंट का बिजनेस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपकी भी प्रैक्टिस बढ़ेगी. तो इसके बहुत अनेक फायदे हैं. पर दोस्तों, जब आप ये सब्जेक्ट करोगे तो आपको ये रिलेट करना है कि अगर मैं कल्चर के अपना एक हर एक इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है कि मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता हूं. अगर जो भी आपके पापा का बिजनेस है, आपके मम्मी का है, आपके भाई का, बहन का, या आपका खुद का कोई ड्रीम बिजनेस होगा, तो इमेजिन करना जो जो बातें मैं कहूंगा आपको, तो आपको करना है कि यार मैं क्या अपने उनके बिजनेस में ये यूज करके कैसे उसका फायदा उठा सकता हूं. तो आज से आपका दिमाग का परसेप्शन चेंज होना चाहिए. जाहिर सी बात है 50 मार्क के लिए CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत अच्छे स्कोर भी होंगे. देयर इज नो डाउट अबाउट इट, आपको अच्छा स्कोर ही होगा, बहुत मजा आएगा आपको. हम लोग इतना रियल लाइफ पढ़ेंगे, इतना रियल लाइफ एक भी कॉन्सेप्ट इसका ऐसा नहीं होगा कि जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा. एवरीथिंग इज गोइंग टू बिकम सो प्रैक्टिकल, इतना प्रैक्टिकल और इतना नॉलेजेबल. मैं आपको बताऊंगा, आपको हर रोज पढ़ते पढ़ते खुशी होगी दिल से कि मैंने आज तो कुछ तो पाया. मतलब अच्छा, ये कंपनी ने ये किया इसलिए वो यहां पे पहुंचा. यार ये कैसा सोचते हैं लोग, अपनी सोच कैसे रखते हैं, क्या एफर्ट्स करते हैं, क्या अलग करते हैं. तो ये अगर आपने ये सिलेबस, एक्चुअली CA का नहीं है, MBA का सिलेबस है जो आपके साथ में रखा हुआ है. तो ये नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लोगों का अकाउंटिंग आ रहा, आपको टैक्सेशन आ रहा, पर आपको लोगों का बिजनेस बढ़ाते ही नहीं आ रहा. तो बहुत अच्छा, हम लोग ICA के शुक्र गुजार है कि उन्होंने ये सोचा कि ये सब्जेक्ट भी सिलेबस में होना चाहिए. और ये सब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है भले ही कम है, EIS के कंपैरिजन में आधे से भी कम है, बट इसका वेटेज तो 50 मार्क इतना भी. एग्जामिनेशन में पेपर आएगा 60 मार्क का, सॉल्व करना आपको 50 मार्क के लिए. और
मतलब मजा है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट कुछ ऐसा कुछ है, मतलब इतना नॉलेजेबल प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको ये सब्जेक्ट बहुत इजी लगने लग जाता है। तो हम लोग ये सब्जेक्ट बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बहुत स्कोरिंग है, और इस सब्जेक्ट में जान डालने के लिए अपने पास में इतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है। डे टू डे बेसिस पे हमारे आसपास के बिजनेस में इतनी कुछ चीजें हलचल होती है, तो हम लोग एकदम लेटेस्ट अपडेटेड चीजें इस सिलेबस में पढ़ेंगे। आपको बिजनेस को बहुत पहली बात तो आपके विजन, आपका विचार चेंज होना चाहिए कि मैं 50 मार्क के लिए इसको नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं कि मुझे बहुत कामयाब इंसान बनना है, मुझे बहुत पैसे वाला इंसान बनना है, मुझे जिंदगी में बहुत आगे जाना है, राइट। सो अगर ये थॉट प्रोसेस अगर आपके दिमाग में है तो जाहिर सी बात है आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। यू लव दिस सब्जेक्ट, ओके। सो आइए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले इस सब्जेक्ट को समझने के लिए हम लोग देखते हैं वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इस समय कौन है, या इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन कौन है। पर आप कहेंगे सर इसको क्यों बता रहे हो आप, सब्जेक्ट का नाम क्या है? अगर ऐसे में एक मंदिर है ना तो उन मंदिर के भगवान है, क्योंकि इन लोगों ने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट को जिया है, खाया है, पिया है, और इसी के और ऐसे लोगों के धंधों को समझने के बाद ही तो हमने एसएम सब्जेक्ट को बनाया है। यानी कि एसएम सब्जेक्ट की हर चीज इन लोगों से प्रेरित होकर आई है, यानी कि इन लोगों ने जो अपने बिजनेस में किया, जो काबिलियत हासिल की है, उन्होंने कैसे कुछ अपना ये पूरा एम्पायर निर्माण किया, उन्हीं की तो बातें इस एसएम के जुबानी आपको सुना है। मतलब ये जानना जरूरी कि आखिर ये लोग जिनके जैसा मुझे बनना है एसएम पढ़ के, उनके बारे में तो मैं जानू, आखिर एसएम पढ़ के मुझे क्या हासिल करना है? चलो एसएम पढ़ ले, क्या उखाड़ लोगे आप? ये यहां पे पहुंचना, यही आपकी मंजिल है, यही आपका विजन होना चाहिए। चेक इट आउट गाइस, हर कोई कमाना चाहता है, आप मैं और लगभग हर कोई दुनिया में पैसा कमाने की एक रेस सी। तो इस वीडियो में हम दुनिया के बाकी बिलियनर्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारे भारत देश के बिलियनर्स की बात करेंगे। 2020 की इस कोविड महामारी में बहुत से बिजनेसमैन सड़क पर आ गए और बहुत से बिजनेसमैन ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। अगर पिछले साल की कंपेयर में देखें तो भारत में बिलियनर्स के नंबर्स बढ़े हैं। पिछले साल 102 बिलियनर्स थे इंडिया में, जो बढ़कर 140 हो चुके हैं। अब इन सब के बारे में तो बात नहीं कर सकते, हम इंडिया के टॉप 10 बिलियनर्स के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। 10th पोजीशन पर है सुनील भारतीय मित्तल। ये एक आप सभी जानते हैं कौन, ये एयरटेल के ओनर है, राइट। ये है एयरटेल के ओनर जिसको जियो के इतने टफ कॉम्पिटिशन के बाद में जिन्होंने अपना एक वर्चस्व कायम रखा है, और जियो को आज कोई थ्रेट है मार्केट में तो आई थिंक इट इज ओडी एयरटेल। और एयरटेल कुछ हद तक अपने बहुत ज्यादा इन दिनों में इतने ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर चुका है, तो बहुत ही जियो से भी ज्यादा सब्सक्राइबर इनके आज के तारीख में है। तो इतने बड़े देश में दो ही सबसे बड़े प्लेयर है, एक एयरटेल एक जियो, और अब ये है सुनील भारती मित्तल। फिलैंथ्रोपिस्ट और फाउंडर है, जो चेयरमैन है भारतीय एंटरप्राइजेस के। ये एंटरप्राइजेस बहुत डाइवर्सिफाइड है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे टेलीकॉम, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, एजुकेशन, मॉल्स, हॉस्पिटैलिटी और एग्रीकल्चर एंड फूड्स में। भारती ग्रुप की सबसे बड़ी फ्लैगशिप कंपनी है भारती एयरटेल, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में से एक है और इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, जिसके ऑपरेशंस 18 कंट्रीज में होते हैं अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। एयरटेल का वर्ल्ड वाइड कस्टमर बेस लगभग 400 मिलियंस का है। तो इस वक्त सुनील भारती मित्तल का नेटवर्थ है 10.5 बिलियन यूएस डॉलर्स, अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं लगभग 75,000 करोड़ रुपए। 9th पोजीशन पर है दिलीप संघवी। यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट हिम, ये कौन है जानते हैं आप? ये सन फार्मा के ओनर है, यू मस्ट हैव हर्ड, ये मेडिकल यानी कि फार्मा आप सभी जानते हैं। ये है दिलीप संघवी, और दिलीप संघवी बिल्कुल इनके खानदानी रईस नहीं है, बिल्कुल इन्होंने अपना सारा एम्पायर अपने खुद के बुनियाद पर बनाया है। सनफार्मा कंपनी का आज बहुत बड़ा नाम है, आपने डॉक्टर रेड्डी सुना होगा, आपने सिप्ला सुना होगा, आपने मैनकाइंड सुना होगा, ये सारे ब्रांड उनमें सबसे ऊंचा ब्रांड है जिसका नाम है सनफार्मा। तो अगर आप मेडिसिन लेने जब जाओगे तो बहुत बार जब मेडिसिन लेते हो तो उसके कवर पेज पर आपको देखोगे सनफार्मा ब्रांड दिखता है। तो सनफार्मा के ओनर इज ऑन द राइट 9th रैंक। आपको फिर से एक बार कहना चाहेंगे, अगर ये सारे लोग अगर आपके समझ जब भी एसएम सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इन सारे लोगों का इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ये बनना है इसलिए मैं एसएम पढ़ रहा हूं। हमेशा मैं जब कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है व्हाट से ज्यादा वाई पढ़ना समझना जरूरी है। व्हाट तो आपको एसएम सब्जेक्ट पढ़ाएगा, पर आखिर वो सब कुछ 8 चैप्टर्स पढ़ने के बाद में वो क्या हासिल करना है, तो हमें यहां पर पहुंचना है, यही हमारी मंजिल है।
क्योंकि दोस्तों एक मुझे लगता है ऑटो ड्राइवर जो होता है वो भी मेहनत करता है, स्वप्निल पाटनी भी मेहनत करता है, और दिलीप संघवी जैसे लोग और मुकेश अंबानी जैसे लोग भी मेहनत करते हैं, पर सबके बार हालांकि सब लोग 12-12 घंटे ही काम करते होंगे, पर सबके कमाने का जो दायरा है उसमें ह्यूज डिफरेंस है। आखिर मेहनत सेम होने के बावजूद भी रिटर्न्स में इतने फर्क ज्यादा है, यानी कि इन लोगों ने जिंदगी में कुछ अलग सोचा है, अलग तरीके से काम किया है, यानी कि ये लोगों ने कुछ तो अलग किया है। वो अलग आया है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट की वजह से। मेहनत तो हर कोई इंसान करता है। हम लोग देखते हैं हमारे बहुत सारे मे बी आपके बहुत सारे रिलेटिव्स और मे बी आपके भाई बहन और देयर आर लॉट ऑफ पीपल आपने जिनको बिजनेस करते हो कई सालों से देखा होगा, मे बी दे आर वर्किंग सिंस लास्ट 100 ईयर्स, पर कोई भी इंडिया के टॉप 10 टॉप 100 में नहीं पहुंचा। वजह जानते हो, हमें धंधे करने के तरीके नहीं पता, हमें ये हमारी सोच को चेंज करना होगा। ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपको इतना परफेक्ट बनाएगा ना, आपकी सोच बदलेगी। और मुझे लगता है इंसान जैसे सोचता है ना उसके साथ वैसे ही होता है। इंसान की सोच बड़ी होना चाहिए, कामयाबी भी उतनी बड़ी। सोच बड़ी तो कामयाबी भी बड़ी। इंसान की सोच का गेम है, और सोच इतनी बदलेगा ये सब्जेक्ट आपकी, आपको सोचने पे मजबूर करेगा। क्यों ना हम लोग ये अपने धंधे में करें, या फिर जो मेरा ड्रीम बिजनेस होगा। आजकल स्टार्टअप का जमाना है, आप जैसे यंग एंटरप्रेन्योर से स्टार्टअप की बहुत सारी उम्मीदें हैं। आपको जब भी लगता है कि आपके दिमाग में कोई भी ऐसी आइडिया दौड़ती है सब्जेक्ट पढ़ते समय, तो जरूर उसको वेस्ट मत जाने देना। ऑलवेज थिंक कि मुझे भी ये बिजनेस, यानी कि मुझे लगता है कि हर एक इंसान को भगवान ने ऐसा बनाया ना, उसको एक यूनिक करके भेजा है। तो हो सकता है वो जो आइडिया आपके दिमाग में आ रही ना, वो किसी और के दिमाग में आ ही नहीं सकती, बिकॉज हर एक का ब्रेन जो है वो यूनिक बनाया हुआ। तो जब भी आपके दिमाग में ऐसी कोई आइडिया आए तो जरूर उसको नोट करके रखिए, क्योंकि वो आइडिया सिर्फ हो सकता है आपको ही आए हो, और हो सकता है एक आइडिया जो बदल दे आपकी पूरी दुनिया। तो कभी भी अपने ब्रेन को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि वो सोचता है ना तो बहुत सही सोच रहा है। यानी कि आज ये माहौल आप बनेगा, ये एनवायरमेंट आपको मैं दूंगा ताकि आपकी सोच इस रास्ते पर आए, आप कुछ अलग सोचे। आप जरूरी नहीं है कि हम लोग 100 साल करने के बाद ही बिलियनर बन सकते हैं। हमने ऑलरेडी एग्जांपल लिया है, ओयो के ओनर आप सभी जानते हैं, क्या नाम उसका, रितेश अग्रवाल, एट द एज ऑफ 26 ही इज द बिलियनियर ऑफ इंडिया, ही इज द यंगेस्ट बिलियनियर ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है आपकी उम्र 20 साल की है, 5-6 साल बाद आप भी रितेश अग्रवाल जैसे अगर बिलियनियर बन सकने की क्षमताएं आपके अंदर है। और जहां तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स आप करते हो, आपका ब्रेन इतना ज्यादा इंटेलिजेंट ऑलरेडी हो चुका है, इतने ज्यादा आप होशियार हो, तो आई थिंक आपके पास में आइडिया आने की देरी है। बाकी आपको सब समझता है, यू आर सो मैच्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई मीन इस एज में आपको बिजनेस की इतनी ज्यादा समझ है, शायद से इतने कम उम्र में और किसी को इतनी समझ प्राप्त होना ये इस सिलेबस के बगैर तो मुमकिन नहीं होता। तो आपको जितना नॉलेज दिया जा रहा है, इतना सारा अकाउंट्स आपको पता है, इतना सारा आपको एफएम आपको पता है, टैक्स आप जानते हो, जीएसटी जानते हो, दुनिया की हर चीज आप इस कम उम्र में जानते हो, तो क्यों ना उसको सही डायरेक्शन में ले जाए, क्यों ना हम उसको अपने बिजनेस में यूज करें। कब तक हम लोग दूसरों के बिजनेस के लिए काम करेंगे? इट्स टाइम टू रन समथिंग फॉर आर ओन। व्हाई कांट वी गिव यू नो एनकरेजमेंट टू आर ओन आइडियाज? हम लोग अपने खुद के आइडियाज के ऊपर क्यों ना काम करें? तो यही है। आइए, बिजनेसमैन और फाउंडर है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। सन फार्मा एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर और सेल करती है एपीआई और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस प्राइमरीली इंडिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में। इनका बहुत सारा इनकम जो है इंडिया के बाहर मेडिसिन बेचने से होता है, तो इसलिए उनका जो इनकम है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि दे आर डूइंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट यूएसए तो बहुत सारा मेडिसिन इनसे खरीदता है। तो सन फार्मा का अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारा पेटेंट इनके पास है, बहुत सारे मेडिसिन बनाने के फॉर्मूले इन्होंने पेटेंट कर रखे हैं। आप जानते हो फार्मा कंपनीज में पेटेंट कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां पे उनके लिए पेटेंट ही सब कुछ है। वो दवाई बनाने का अधिकार सिर्फ उनका हो जाता है अगर उनके इसमें वो पेटेंट होता है। तो ये बहुत बड़ा इंसान है, आई थिंक बेसिकली फ्रॉम गुजरात। करीब 72% सन फार्मा का सेल्स इंडिया के बाहर ही होता है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ा मार्केट है। इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग दुनिया भर में 26 लोकेशंस में है, जिससे आप समझ ही गए होंगे ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस वक्त दिलीप संघवी का नेटवर्थ है $10.9 बिलियन, अगर भारतीय रुपए में देखे तो होते है करीब 78। तो अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं आज जेफ बेजोस से, कल भी हमने जेफ बेजोस की बात की थी, इट वॉज 190 बिलियन डॉलर्स। तो आप सभी समझ सकते हो जेफ बेजोस और दिलीप संघवी में 19 दिलीप संघवी इज इक्वल टू 1 जेफ बेजोस। तो आप समझ रहे हो जेफ बेजोस का लेवल और औकात क्या है। पर एनीवेज ये अमाउंट, ये संख्या भी अपने आप में एक महान संख्या है, 78,000 crores, नॉट अ जोक बेबी, या करोड़ रुपए। 8th पोजीशन पर है साइरस पूनावाला।
और हमें बहुत अभिमान है, गौरव है, स्वाभिमान है। इनका जो सरनेम है एक्चुअली ही इज फ्रॉम पुणे इटसेल्फ, और वो यहाँ से अपनी क्लास से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। यू मस्ट बी नोइंग यहाँ पे एक एरिया है सैलिसबरी पार्क स्टेज देयर, और ये वही बंदा है जो सीरम के ओनर है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बना रहे हैं। आप सभी जानते हैं वैक्सीन के इस बिजनेस के बाद में तो इनके 4 चांद और लग गए हैं। इनका रैंकिंग दिन ब दिन बढ़ रहा है, बिकॉज ये दिन दुगना रात चौगुना वैक्सीन में छापते हैं। ये ऐसे यूनिक चीज को लेकर बनाते हैं। इनके पास में पहले हॉर्सेस का काम हुआ करता था, हॉर्स, और हॉर्स से उन्होंने कोई वैक्सीन बनाई थी, और वो वैक्सीन इतनी कामयाब साबित हुई कि आज वर्ल्ड में कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो इनके कंपनी के मैन्युफैक्चर वैक्सीन जब तक नहीं लेता वो बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता, राइट? इट इज दैट इंपॉर्टेंट। तो दैट उनके प्रोडक्ट का यूनिकनेस है। और ये बंदा है जिसका ये मानना है कि मतलब सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, अभी तक अपन जितनी भी कंपनीज को देखते हैं जो बड़े बनते हैं ना, वो लिस्टेड करके बनते, लिस्टेड यानी कि ये प्राइवेट लिमिटेड बंदे का, यानी कि इनके पास में पब्लिक का कोई स्टेक नहीं। अगर ये अपना आईपीओ लेकर आ जाए ना, ये इंडिया के टॉप 2 टॉप 3 में चला जाएगा। जैसे हमारे डीमार्ट के ओनर जो है दी दमानी, ही वाज नॉट अमंग द इंडियाज टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन, पर जैसे उसने आईपीओ लेकर आया वो 300 का शेयर 3000 में भागा, और उसका 50-60% स्टेक उसका खुद का ही कंपनी का, तो ऑब्वियसली 50-60% का जो शेयर है मल्टीप्लायर बाय उसको मार्केट वैल्यू मिल गया। तो ऑब्वियसली ही हैज, अभी दी दमानी जो इंडिया के टॉप 3 टॉप 4 रिचेस्ट पर्सन में से जो डीमार्ट के ओनर है, तो ये इतना पैसा उन लोग के पास में आया बिकॉज उन्होंने लिस्टेड किया। अगर ये लिस्टेड कर लेना तो आप मान के चलिए इंडिया के टॉप 3 में आ जाएंगे, पर अभी तक ये लिस्टेड ही नहीं। आज बताओ कौन सीरम में पैसे क्यों नहीं लगाएगा? जिस तरह की बायो वॉर चल रहा है यार, ऐसे बंदे के ऊपर दाव नहीं लगा तो किसके, पूरा वर्ल्ड इनके वैक्सीन का मोहताज है, राइट? सो ये वो चीज है, बंदे में बहुत दम है। इनका बंदा है जिसका नाम है आदिर पूनावाला, और ये आए दिन इंडिया पूना के टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया में पेस्ट्री पे छाए रहते हैं लोग। इनकी जो बहू है जिनका नाम है नताशा पूनावाला, ये भी आपको पेस्ट्री पे दिखती होगी हमेशा। अगर आपको देखना है नताशा कौन है तो आप इंस्टाग्राम पे डालिए। उनके फ्रेंड्स कौन है, मतलब देखो लोग बड़े होते तो उनके फ्रेंड सर्कल भी वैसे होते। फ्रेंड कौन है, करीना कपूर फ्रेंड है, कौन है मलाइका अरोड़ा फ्रेंड है, मैंने कि कौन फ्रेंड है, करण जौहर फ्रेंड है, मतलब लोग ही वैसे भाई। अब एक दिन ऐसे हुआ कि गौरी खान को यहाँ से जाना था, गौरी खान हैड कम हियर, शाहरुख खान की वाइफ, अब उसको जाना था कहाँ पे, बॉम्बे, शी हैड कम टू पुणे। तो फिर पूनावाला को फ़ोन लगाया, फिर पूनावाला ने अपना चॉपर दिया उसको, फिर वो बैठ के वहाँ से गई। मतलब बड़े लोग की बड़ी बातें हैं। ये पूनावाला है जो उसको पूना के पूना में भी घूमना है तो वो हेलीकॉप्टर से घूमता है, और उसके पैसे भी उतने हैं, और उसका बंगलो देखोगे आप, ये लोग क्रेजी, चालू होता है ख़त्म ही नहीं होता, इतना कमाया भी है, और कुछ यूनिक चीज हाथ लगी। इससे एक समझता है जिंदगी में प्रोडक्ट आपका अच्छा होना जरूरी है। अब ये ऐसे में आपको सिखाता है कि आपके प्रोडक्ट में दम है ना, तो दुनिया आपके ऊपर कुछ भी लुटाने को तैयार है। आपके प्रोडक्ट में वो खासियत होना, आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए, आई मीन आपके प्रोडक्ट में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसका लॉन्गिटिविटी है, यानी कि जो बहुत सालों तक चलने वाला है। इनके प्रोडक्ट के चरित्र पर कोई दाग नहीं है, कल बंद होने वाले प्रोडक्ट ही नहीं, सन फार्मा बंद नहीं हुआ कभी। यानी कि जो कंपनीज आप देख रहे हो ना, ये कंपनीज के जो प्रोडक्ट है उनके, उनका अस्तित्व सालों साल तक रहना जरूरी है। इनका ग्रोथ होना ही होना है, उनको चैलेंज ही नहीं कोई। उन्होंने जिस तरह की चीजें एस्टैब्लिश की ना, इनका कोई तोड़ नहीं है। बिजनेसमैन है और फाउंडर है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जो कि एक जायंट बायोटेक कंपनी है जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर करती है। साइरस पूनावाला शुरू से वैक्सीन के बिजनेस में नहीं थे, इनके पिताजी सोली पूनावाला जिनका हॉर्स ब्रीडिंग का बिजनेस था, बाद में साइरस पूनावाला भी हॉर्स ब्रीडिंग का बिजनेस संभालने लगे। फिर पुणे में ही 1966 में साइरस पूनावाला ने बायोटेक कंपनी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शुरू की। शुरुआत में इस कंपनी ने ये चीजें लार्ज क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चर करनी शुरू की, जैसे टिटैनस एंटीटॉक्सिन, स्नेक एंटीवेनम, डीपीटी वैक्सीन और एनएमआर वैक्सीन। फिर इस कंपनी ने और दूसरे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस की वैक्सीन बनानी शुरू की, कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स, इन्फ्लुएंजा। राइट नाउ यूडमी इज हैविंग वन ऑफ द बिगेस्ट सेल्स ऑफ द ईयर एंड देयर कोर्सेज आर अप टू 90% ऑफ। इफ यू डोंट नो वैक्सीन और मेनिंगोकोकल वैक्सीन, 2014 में इंटरनेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस जैसे मतलब 150 करोड़ वैक्सीन सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अब साइरस पूनावाला के बेटे आदर पूनावाला संभालते हैं। ये इस वक्त चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ है। तो इस वक्त साइरस पूनावाला की करंट नेटवर्थ है $13.2 बिलियन, अगर भारतीय रुपए में देखे तो होते है करीब 94,000 करोड़ रुपए। सेवेंथ पोजीशन पर है कुमार मंगलम बिरला। ये बहुत हमें गर्व है, स्वाभिमान है, अभिमान है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये कुमार मंगलम बिरला, वन ऑफ माय वेरी क्लोज रिलेटिव इज वर्किंग विद हिम,
और वो बोलता है बहुत अलग बंदे का जो है, पर उसके बारे में खासियत बता रहा था वो, तो मैंने बोला भैया जरा बताओ ना कुमार मंगला बिरला करता क्या है, मतलब तुम्हारे बोले हम लोग 6th फ्लोर पे रहता है और 7th फ्लोर पे रहता है, तो हम लोग ऐसे कभी लिफ्ट में मिल जाते हैं कभी कुछ मिल जाता है, मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस में है वो और ही इज वर्किंग इन इनका जो बिरला ग्रुप है, तो बिरला ग्रुप के बहुत सारे जैसे ग्रासिम भी बिरला में आता है, ग्रासिम सुना है कभी, तो ऐसे बिरला के पास में बहुत सारा डाइवर्सिफाइड वर्टिकल है इनका, आपने कभी मोर सुना है, मोर के स्टोर सुने हो के भी स्टोर, ये उनकी ही है, आपने अरे कुमार बिरला के आपने यू मस्ट हैव सर कितने सारे उन्होंने जो शर्ट बनाने वाली कंपनी को कितना सारा एक्वायर किया उन्होंने, कुमार मंगलम बिरला कौन है, ये आइडिया के ओनर है, पर इनको पहले आइडिया से बहुत सारा मिलता था, अभी आइडिया से उन्होंने बहुत सारे और भी बहुत सारा काम है इस बंदे का, और बोलते इतना वर्क होली के संडे को भी ऑफिस में आया था, तो बोला कि कुमार मंगलम बिरला का जो है इज सो डाउन टू अर्थ, तो बोलता है कि उसके समय एक मर्सिडीज है और मर्सिडीज उसके 8-9 साल पुरानी है, उसमें घूमता हो, बोलो इतना पैसा है जरा सा एटीट्यूड नहीं कुछ नहीं, आता ऑफिस में बैठता हवले जैसा काम करता, बस आता काम करता बस, संडे को भी ऑफिस में आ जाएगा काम करेगा, उसको देखेंगे ना टेंशन, कभी कभी तो बोलता है बोर्ड मीटिंग में सो जाता हो इतना काम रहता उसको, बोलता तुम डिस्कस करो मैं 10 मिनट की झपकी लेता इतना काम, मगर आप लोग ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों इस बंदे के मैं बारे में डिटेल बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो रिलेटिव है वो काम करता है वहां पर, तो क्या करता है वो स्ट्रैटेजी जैसे कि नए नए एक्विजिशन करते ना तो एक्विजिशन टीम में है वो, तो डायरेक्टली रिपोर्टिंग कुमार मंगलम पर, जैसे कि 100 प्रपोजल आए इनको ये डालना है, कुछ लोग बोलते ना ये कर दो वो कर दो, अब बड़े पैसे वाले तो लोग बोलेंगे भाई ये धंधा हमारे साथ पार्टनरशिप करो, तो वो क्या करते हैं वो प्रपोजल को आइडेंटिफाई करते हैं इवेल्युएट करते हैं जो बेस्ट है उसका प्रेजेंटेशन इसको देते, तो ताकि उनका जो डायरेक्ट संबंध जो है वो कुमार मंगलम बिरला से, तो मैं बता रहा हूं कि अगर कोई इंसान बड़ा इसका मतलब नहीं कि ऑलवेज फॉरेन ट्रिप पे रहता, हर कोई आदमी विजय माल्या नहीं है, रंगीन शौकीन, कुछ लोग मेहनत भी तो करते हैं ना, मतलब इनकी लाइफ इतनी आसान नहीं जितना हम लोग समझते हैं, दे हैव टू वर्क, इस लेवल को मेंटेन करना है तो दे रियली नीड टू वर्क हार्डर, इतना अगर उसने एम्पायर बड़ा फैला के रखा है तो दे हैव टू वर्क हार्डर, तो ये एक बात है कुमार मंगलम बिरला की बहुत खास है। 4th जनरेशन मेंबर है बिरला फैमिली के, कुमार बिरला एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट है जो चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के, इसके अलावा कुमार बिरला चांसलर है बिट्स के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस और चेयरमैन है आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद के, तो आदित्य बिरला ग्रुप एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जिसका हेड। आपने कभी आदित्य बिरला की, मुझे जो ब्रांड पता है मैं एक बार और देखता हूँ, लुइस फिलिप और ये सारे ब्रांड जो है, बहुत सारे ब्रांड अगर आपको देखना है जिसने बहुत सारे ब्रांड को एक्वायर किया हुआ है, अरे सर देखो ना इसके ब्रांड्स, कपड़ों के ब्रांड, ये जो ब्रांड है आपने ये कहीं तो देखा होगा आपने, सिंबल ये नाम लोग है, अगर आपको देखना है तो उन्होंने बहुत सारे बिरला सन लाइफ, बिरला का क्या बोल रहा था मैं, शर्ट्स ब्रांड ऐसा आना चाहिए, देखता मैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, देखो अरे बहुत ब्रांड है इसके पास, मजाक में खरीद लिया उसने बहुत सारे ब्रांड, ये देखो ये ब्रांड है देखो उसके सर मॉल में तो अपन ये ब्रांड जाते और इनकी दुकानें बाजू बाजू में रहती, लुइस फिलिप है, वैन हुसेन है, एलन सोली है, पीटर इंग्लैंड है, सर आपने भी लगता दोनों ये सब कंप्यूटर है, फॉरएवर 21 अरे सब खरीद लिया ना उसने, ये पोलो ये सब, ये कोई भी मॉल में ये सब ब्रांड आपको बाजू बाजू में दुकानें दिखेंगी, सब खरीद लिया उसने, बोले इधर कॉम्पिटिशन नहीं करने का, ये सब कॉम्पिटिटर, ये उसके ब्रांड है, पेंटलून भी उसका है, फॉरएवर 21 कितना बड़ा ब्रांड है वो भी उसका ही है। आदित्य बिरला के म्यूचुअल फंड में मैंने पैसे लगाया, बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उसका, म्यूचुअल फंड है ना उसका फंड है पूरा आदित्य बिरला फंड्स, तो लोग पैसे लगाते फिर उनका वो CFO डिसाइड करता, फंड मैनेजर कहां पैसे लगाना है, तो ऑब्वियसली जो कमाते सब थोड़ी ना पब्लिक को देते हैं, अपना भी तो रखते हो ना कुछ वैसे। तो इस वक्त सुनील भारती मित्तल का नेटवर्थ है $10.5 बिलियन, क्वार्टर वरली मुंबई में है। इस वक्त आदित्य बिरला ग्रुप बहुत से अलग अलग बिजनेस में है, जैसे एग्री बिजनेस, कार्बन ब्लैक, सीमेंट, केमिकल्स, फाइनेंस, माइनिंग, मेटल्स, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशंस, BPO, टेक्सटाइल, विंड पावर और भी। देखो ये है पूरा डाइवर्सिफिकेशन, हमारे सिलेबस में कॉन्सेप्ट आता है इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन,
diversified business. Diversification यानी कि you are entering into something new which is not connected to your existing business. तो जब ये सारे बिजनेस को क्यों मैं बता रहा हूं, जब मैं ऐसे में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा देखो आदित्य बिरला ने क्या क्या कुछ किया था. तो जब मैं डाइवर्सिफिकेशन नाम का एक पेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो आपको देख बच्चों देखो हमने आदित्य बिरला के बारे में क्या पढ़ा था. ये तो कौन सा बिजनेस है? एग्रीकल्चर, फाइनेंस, माइनिंग, टेक्सटाइल, आपस में कोई संबंध ही नहीं है. विंड पावर, फर्टिलाइजर, क्या संबंध है? टेलीकॉम उसका मेन हुआ करता था, आइडिया पर उसकी बहुत वाट लगी है, पर उसने सब कुछ कमबैक किया हुआ यहां से. आदित्य बिरला इस वक्त बिरला ग्रुप 34 कंट्रीज से ऑपरेट हो रहा है और दुनिया भर से इस ग्रुप में करीब 1,20,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं. टेक्सटाइल बिजनेस में आदित्य बिरला ग्रुप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विस्कोस स्टेपल फाइबर का, जिसे रेयॉन भी कहा जाता है. ये एक सिंथेटिक फाइबर है जो वुड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बनता है. तो इस वक्त कुमार मंगलम बिरला का नेटवर्थ है $13.3 बिलियन. अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 95,000 करोड़ रुपए. सिक्स पोजीशन पर है लक्ष्मी मित्तल. ये एक बिजनेस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसान है लक्ष्मी मित्तल, जो NRI है, जो रहता पूरे समय यूके में है. और यूके में कहते हैं कि यूके का सबसे महंगा बंगलो जो है वो इसी बंदे का. ये वही बंदा है जिसने शाहरुख खान को अपने बेटे की शादी में नचवाया था 5 करोड़ देके, बोले नाच घोड़े के सामने. शाहरुख खान को तुम आज मेरे बेटे का जो शादी है वो घोड़े पे बैठेगा, बारात में जब जाएगा तो तू नाचेगा. बोले मैं क्यों नाचूं? बोले कितने पैसे चाहिए? बोले तुम बोलो. बोले 5 करोड़. बोले 3 घंटे नाचूंगा, रुकूंगा भी नहीं, पानी भी नहीं पूंगा. लक्ष्मी मित्तल वो चीज है जो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर है. इसका कोई चैलेंज नहीं. आर्सलर नाम की कंपनी थी, उसको भी एक्वायर कर लिया इसने. आर्सलर यानी कि यही बंदा है जो हमारे लिए प्राइड की बात है. आज स्टील बोल तो लक्ष्मी मित्तल आता है. इसने चैलेंज किया, ओपन चैलेंज वर्ल्ड में, किसी के पास में भी अगर सिख कंपनी हुई स्टील में तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं आपकी सिख कंपनी एक्वायर कर लूंगा. मैं आपकी कोई भी सिख कंपनी को, मतलब स्टील का वो है, मतलब हुकुम का इक्का है स्टील में, उसका कोई चैलेंज नहीं है उसको. और ये आज से नहीं है, ये कई सालों से top 10 में ही है. लक्ष्मी मित्तल मैग्नेट है जो चेयरमैन और CEO है आर्सेलर मित्तल कंपनी के. आर्सेलर मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मेकिंग कंपनी है और लक्ष्मी मित्तल इस कंपनी के मेजोरिटी स्टेक्स होल्डर है. आर्सेलर मित्तल में इनके 38% स्टेक्स है और इनके 20% स्टेक्स क्वींस पार्क रेंजर FC में भी है. ये एक फुटबॉल क्लब है जो कम्पीट करता है EFL चैंपियनशिप में. इसके अलावा लक्ष्मी मित्तल गोल्डमैन सैक्स में मेंबर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के. आर्सेलर मित्तल कंपनी का हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग सिटी में है. ये कंपनी का एनुअल स्टील प्रोडक्शन 92.5 मिलियन मेट्रिक टन्स है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है. तो इस वक्त लक्ष्मी मित्तल का नेटवर्थ है $14.9 बिलियन. अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 1,05,800 करोड़ रुपए. फिफ्थ पोजीशन पर है उदय कोटक. ये एक बैंकर बिजनेसमैन है जो एक फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है कोटक महिंद्रा बैंक के. कोटक महिंद्रा एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है. इस फाइनेंशियल सर्विस कंपनी को उदय कोटक जी ने 1985 में शुरू किया था, पर इस ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंकिंग लाइसेंस फरवरी 2003 में मिला, जो आज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट बैंक है, जिसकी टोटल 1600 ब्रांचेस है और 2519 ATMs है. तो कोटक महिंद्रा ऑफर करता है बैंकिंग प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेट और रिटेल कस्टमर्स के लिए अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लाइफ इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट. तो इस वक्त उदय कोटक जी का नेटवर्थ है $15.9 बिलियन. उदय कोटक क्या है ना, ये भी बहुत, इसने जो बैंक को ग्रोथ दिया ना, ये अनसंड है. मतलब आप सोचो ICICI बैंक, HDFC, SBI के बाद कोई बैंक इंडिया में बचता है तो कोटक है. कोटक के चरित्र पर कोई दाग नहीं. अगर कोटक में अगर आपका अकाउंट है तो यू आर इन सेफ हैंड्स. बहुत बड़ा ग्रोथ किया है इसने, बहुत नाम है इसका इस बंदे का. और उसको बैंक के अंदर इसका स्टेक ज्यादा है, तो इसको ऑब्वियसली कोटक का शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है और कोटक बैंक के अंदर इसका स्टेक है. तो कोटक बैंक जितना ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली ये भी ग्रो करता है ना. इसकी नेटवर्थ हाथी कहां से है? तो बैंक के अंदर उसका मान लो 30% स्टेक है. तो जितनी टोटल कंपनी की वैल्यूएशन है 30% इसका है. एग्जांपल बोल रहा हूं मतलब. तो ये ऑब्वियसली इसने बहुत बड़ा काम किया. आप जरा इसके बारे में पढ़ना, ये अपने आप में एक, जैसे आप अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको लगेगा बंदे में बहुत दम है. बहुत काम किया इसने एकदम रूट पे, फाइनेंस के पूरा एकदम. कोटक के म्यूचुअल फंड्स भी है, फाइनेंस में आप जो बोलो वो है उसके पास. बड़ा काम है इसका. ये आपको हो सकता है अंबानी इतने आपको चर्चित फेमस ना दिखे. कभी कभी कुछ लोग नहीं है बहुत फेमस नहीं होते, पर जिन्होंने बहुत काम किया होता है, जैसे अगर आपने दिलीप संघवी देखा,
सन फार्मा ऐसा बहुत आपको संघ भी बोला तो कोई बहुत लोग पहचानेंगे भी नहीं उसको, पर सन फार्मा बहुत बड़ा काम है यार। सन फार्मा इज अ वेरी बिग कंपनी। ये ऐसा है उदय कोटक सर, इसके बारे में जब भी वक्त मिले तो पढ़ना अकेले में, बहुत बड़ा काम किया इस बंदे ने। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 1,13,000 करोड़ रुपए। फोर्थ पोजीशन पर है राधा किशन दमानी, ये एक इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है जो फाउंडर है डीमार्ट के। डीमार्ट एक रिटेल कॉरपोरेशन है जो ऑपरेट करता है हाइपरमार्केट्स के चैन को पूरे पैन इंडिया में। डीमार्ट का हेडक्वार्टर पवई मुंबई में है। इस वक्त डीमार्ट के 200 स्टोर्स पूरे पैन इंडिया के 72 सिटीज में है। इसके अलावा राधा किशन दमानी स्टॉक मार्केट ब्रोकर और इन्वेस्टर भी है। HDFC बैंक के ये लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर है और इंडिया सीमेंट्स में इनके स्टेक्स 19.89%। ये हर्षद मेहता के जमाने का बंदा है, ये हर्षद मेहता के खास दोस्त रहे हैं, ठीक है ना, उसके साथ ही है। आपने वो हर्षद मेहता का सीरीज भी देखा होगा, वही है, वही के बैठे हैं ये सारे, ये झुंझुनवाला सब, ये चड्डी बड्डी दोस्त है ये। इन्होंने शेयर मार्केट को यहां से वहां तक देखा है ना, तो उनको इन एंड आउट सब पता है। इस बंदे ने अपने आप के शेयर्स को मार्केट में लिस्ट करवाया, 300 रुपए से लिस्ट करवाया, आज इसके शेयर्स के वाले 3,300 रुपए है। और डीमार्ट, ये डीमार्ट के ओनर है और डीमार्ट का मेजोरिटी स्टेक उसके पास है। होशियार है ना, पूरा माल नहीं काटा उसने, जैसे जोमेटो ने कैसे 10% माल काटा, 90% ओनर के पास ही है। जोमेटो की वैल्यूएशन 60,000 करोड़ है, पर 6,000 का माल ही सेंसेक्स में लाया ना, शेयर मार्केट में लाया, आईपीओ लाया, वैसे ही इसका काम है। इन्होंने भी बहुत सारा माल करा नहीं, अभी भी मेजोरिटी स्टेक इनके खुद के पास ही है। 300 रुपए का शेयर 3 साल के अंदर 3,300 रुपए हो गए। उसको पता है मार्केट में कैसे अपने जाल को बिछाना है। डीमार्ट जिस एरिया में आता है ना, उस एरिया के 2-4 किलोमीटर की सारी किराना शॉप बंद हो जाती। डीमार्ट जिस जगह पे है अपने आप में दहशत है, ये टेररिज्म है सारे किराना शॉप वालों के लिए। आप जरा किराना शॉप वाले को देखो, वो जब भी डीमार्ट वाले ना इसे सहम जाते, बिकॉज ये इतना डिस्काउंटेड माल है। इनका एक ही काम है, ये वॉलमार्ट को फॉलो करता है, ये जैसा फ्लिपकार्ट अमेजोन को फॉलो करता ना, ये वॉलमार्ट का भक्त है। तो एक बार यूएसए में गए थे, उन्होंने वॉलमार्ट देखा, वॉल क्या था, वॉल सरनेम था, और मार्ट बोलते मार्ट, ये बोले मेरा सामान सरनेम क्या दमानी, तो मैं कौन, डी, मैं तो वॉल नहीं बन सकता, मैं डी बन सकता, बोले डी मार्ट। तो उन्होंने पूरा कॉपी पेस्ट मारा इंडिया। तो पहले 10-12 स्टोर उन्होंने खुद के पैसे पे खोले, पर बाद में ही अंडरस्टूड किया अगर मुझे एक्सपेंशन करना तो आई नीड फंडिंग, तो नहीं, वेंट फॉर आईपीओ, फॉर आईपीओ बिकेम बिग हिट। तो अब देख सकते हैं आप कहां से कहां पहुंचे दी दमानी। और एक होता ना पी रेशो, जो हम लोग एफएम में पढ़ते हैं, तो इनका पी रेशो मुझे लगता है वन ऑफ द हाईएस्ट पी रेशो में से है। मतलब लोगों को इतनी ज्यादा उम्मीद है इस बंदे से, 222 का पी है इनका, यानी कि आज एक करोड़ कमाते हैं तो लोग बोलते हैं इसकी वैल्यूएशन 222 करोड़ है, यानी कि 222 साल में जितने पैसे कमाएंगे उसका वैल्यूएशन आज देते लोग उसको। ये बहुत ओवर प्राइज्ड है, पर सोचो ओवर प्राइज इसलिए है बिकॉज लोगों को लगता है इसका ग्रोथ होने वाला है। लोगों को लगता है आज 72 स्टोर्स इंडिया में, 200 स्टोर्स इंडिया में, तो लोग तो 500 स्टोर्स होंगे, हर तालुका में आएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में आएगा। अभी तक तो उसको आगे बढ़ना है ना, इतना पैसा लेके वो और फंडिंग करेगा, फंड करके बड़े बड़े, अरे उसका जो मॉल बनता है, डी मार्ट कभी गए हो ना, वो छोटी जगह नहीं होती, वो प्रीमाइसेस जो होता है ना, वो अपने आप में एक ह्यूज विशाल प्रीमाइसेस होता है उसका। तो ये बहुत बड़ा बंदा है, आने वाले समय में आप देख सकते हो डीमार्ट की और ग्रोथ आपको दिखेगी। और जिस जगह पे डीमार्ट होता है ना, एक बार आप विजिट करना, उसके आसपास वाले किराना शॉप को पूछना, भैया तुम्हारी क्या स्थिति है, तो बोलते अब जो मिल रहा भैया मिल रहा, कुछ दिन बाद ये भी बंद हो जाएगा, कुछ मतलब ही नहीं ना। वो क्या करता है, बल्क देता है। कोलगेट मुझे बताओ, कोलगेट 100 रुपए का है, तो किराना शॉप वाला भाई ये 100 रुपए का है, बिकॉज उसको जो एचयूएल 96 में था तो 100 रुपए में बेचेगा ना, ये बोलता 80 रुपए में ले लो। अब ये 80 में बेचता, किराना शॉप वाला 100 में बेचता, तो ये अनु उसको 96 में आ रहा, वो किराना शॉप वाले भी इसके पास जाके बाय करते, क्या करेंगे ना। ये बल्क बाय वाला आदमी, उसके पास में इतने स्टोर से, वो बल्क, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर से बल्क बाय की डील करता, ये कितने लक्स में कितने दे रहा, क्या कितने में दे रहा, तो उसको कैसा ना, वो बल्क बायर है, वो इतने स्टोर है ना बेचने का उसको, और पैसा बहुत है, तो बड़ा स्टॉक निर्माण कर सकता है वो। ये टेक्स, आंध्रा पेपर्स, VST इंडस्ट्रीज और भी कंपनीज में है। दमानी जी की स्टॉक होल्डिंग वैल्यू ही करीब $10.2 बिलियन की है। तो इस वक्त राधा किशन दमानी जी का टोटल नेटवर्थ है $16.5 बिलियन। अगर भारतीय रुपए में देखें, कस तभी HDFC के शेयर्स का कुछ वैल्यू नहीं था, तब जाके उसने स्टेक इन्वॉल्व किया था HDFC। आज HDFC इंडिया का टॉप मार्केट वैल्यू में से एक है। कितना मार्केट वैल्यूएशन है उसका, मार्केट कैप, और उसमें उसका मेजोरिटी स्टेक होल्डिंग है। अगर ऐसे कंपनी का 5-10% होल्डिंग भी बोला ना HDFC का आदमी, तो वही खत्म है रे। HDFC का 5% मतलब हिसाब लगाने का काम नहीं है। HDFC का मार्केट कैप कितना, उसमें उसका होल्डिंग कितना है, देखो HDFC का मार्केट कैप
आज एचडीएफसी का मार्केट वैल्यूएशन ये बहुत ज्यादा है आईसीआईसी बैंक से भी, क्योंकि एचडीएफसी आज की तारीख में सबसे ज्यादा समृद्ध, सबसे ज्यादा भरोसेमंद बैंक माना जाता है इंडिया के। एचडीएफसी मार्केट कैप कितना है रे, मार्केट कैप 8.5 लाख करोड़। रिलायंस का वैसे 16 लाख करोड़ है, पर इसका मार्केट कैप बैंक के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और वो कंपैरिजन करना है आईसीआईसी बैंक के साथ में, ये कुछ 4.5 लाख उतना ही होगा मेरे हिसाब से, 4.5 लाख करोड़ ही होना चाहिए। ये 4 पॉइंट जो भी दिया है, मुझे लगता है ये लगभग आपके 4.5 लाख करोड़ इतना होना चाहिए। एक्सिस बैंक का कितना है, ये ऐसा मुझे लग रहा है वही हम लोग सही सोच रहे हैं, 2 लाख करोड़ का है। बजाज ऑटो, साला इतनी बड़ी बजाज कंपनी भे, साला इंडिया में 2 ही लोग गाड़ियां बेचते, 2 व्हीलर, एक बजाज एक होंडा। कौन सी गाड़ियां इंडिया में इतने सालों से 2 व्हीलर वही थे, फिर भी इनका 1 लाख करोड़ है। यहाँ तो जोमेटो का नाम मत निकालो आप, चलो ठीक है, ये पता नहीं अपन सही सोच रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, देखते आगे। था क्या देखो, और आईसीआईसी बैंक एक ही लिखा है, जान तो बहुत बड़ा है। और इसमें क्या उसका स्टेक है, किसका वैसे क्या ना, ये झुंझुनू वाले टाइटन में शेयर लेकर रखा, वो टाइटन जितना भाग रहा आगे, तो साला कैसा ना इंसान का विजन होना चाहिए। मैं आपको बताऊं क्या है, और ये सब नहीं कि ये सब फॉलो करते वॉरेन बफेट को। वॉरेन बफेट बोलता तुम क्यों काम कर रहे है, वो काम कर रही ना दूसरी कंपनी, तुम ले लो ना उसके शेयर। वो बूढ़ा आदमी साला उसका भी अलग लेवल है, वो बोलता क्यों दिमाग लगा रहे है, जो कंपनी अच्छी है ना कोका कोला ले लो उसके शेयर्स, एप्पल अच्छी ना ले लो, अमेजोन का ले लो। एप्पल का 10% शेयर पड़ा है उसके पास, वॉरेन बफेट के पास। एप्पल कौन है, उधर है वो एप्पल ही बड़ा है इतना, ट्रिलियंस में आ रहा है। तो क्या उसका स्टेक लेके बैठा है वो, मतलब ये ने लोगों को काम पे लगा दिया, वहां पे ओनर जैसा जाके बैठता बूढ़ा, फिर मेजोरिटी स्टेक होल्डर है ना वो एप्पल कंपनी में इसकी चलती, फिर एजीएम में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ना 10% किसको बोलते हैं, जाके बैठता है ये कौन सा फोन लॉन्च कर रहे हैं, अरे क्या अंकल 96 की उम्र में लेवल है बूढ़े आदमी का, 96 एज है उसका, मजा आ गया। उसके साथ में एक अंकल बैठते, उसका एक पार्टनर है, क्या नाम वो, नहीं नहीं उसके साथ देखे 2 लोग बैठते हैं एजीएम में, वॉरेन बफेट के साथ में ना और एक अंकल बैठता है, वो भी उतने बूढ़ा है। पर वो क्या था ना, उसने उसको थोड़ा सा स्टेक दिया, ज्यादा नहीं है, मतलब वॉरेन बफेट बहुत पैसा है, वो मोदी क्या था भी नाम है उसका, वॉरेन बफेट, दोनों देखो एजीएम में जो होता ना, एजीएम कहां लेता हूं वॉरेन बफेट, स्टेडियम में एजीएम लेता हूं। और इतना मस्त है ऐसा कोका कोला का बॉटल पड़ा रहता उसके सामने, कुक भी था मस्त। अरे तुम एक काम कर, तुमको मजे लेना है जिंदगी है, जो आपको दिखा था कि भारी चीज दिखा था, वॉरेन बफेट एजीएम बताता मैं आपको। वॉरेन बफेट का नाम गलत, हाँ चल ठीक है, फुल इवेंट है ये, देखना फुल इवेंट। भाई ऐसा सही जिम नहीं करता, एकदम माहौल बना के स्टेडियम के बीच में बैठ के, अभी ये तो कोरोना में शायद से उसने घर पे लिया था, अब देखता हूँ बताता हूँ आपको। पर उसके इवेंट देखना आप, एक दो उसके एजेंट की कमेंट्री सुनना, मुझे लाइक आई से वी विल गो फॉर अ कपल ऑफ आवर्स एंड देयर इज नो स्पेसिफाइड कट ऑफ टाइम। इसकी किताबें पढ़ता हूँ मैं, इतना ज्ञान है ना इसके पास में, कभी जीवन में वक्त मिला ना, कभी जीवन में ऐसा लगा कि अब चलो यार एक अच्छा मुझे नॉलेज गेन करना है, तो वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट की थ्योरीज पढ़ना कि क्या
क्या उसूलों पर काम करता है, क्या सिद्धांतों पर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है कंपाउंडिंग करके। अगर आप कंपाउंडिंग इससे समझ जाओगे ना, तो जिंदगी में आपको कंपाउंडिंग का जो अपन पढ़ते हैं ना कंपाउंडिंग, वो अपन ने आजकल मैथमेटिकली देखा है। और कंपाउंडिंग इसकी जुबान से सुनना कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या है। वो बोलता है एक कोई भी आदमी 1,000 करोड़ का आराम से बन सकता है, कोई भी आदमी। पर आप में क्या होना चाहिए ना, आपने वो पैसे वापस उसी धंधे में लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म। क्योंकि वो क्या होता है ना, डबल डबल पैसे होते हैं। जैसे अगर मान लो 1 करोड़ रुपए आज आपके पास में है, एग्जांपल 10 करोड़, तो अगर आपने मान लीजिए 20% का आपका वो है आरओआई, तो अगले साल कितने बनेंगे? 10 करोड़ है तो 12 करोड़ बन जाएंगे। फिर 12 करोड़ कितने बनेंगे? 15 करोड़। एग्जाम्पल 4 साल में डबल हो जाएंगे। अब 4 साल में कितने हो गए? 10 के 20 हो गए। इसका थ्योरी, इसका बुक पढ़ना कभी, मैं आपको बता रहा हूं, आपको जीवन में आगे बढ़ना है ना, और अगर आपको शेयर मार्केट में आगे बढ़ना है या आपको बहुत पैसे वाला बनना है, इसके सिद्धांतों को एक बार जरूर पढ़ना। ऐसा भारी लिखता है और उसके बारे में बहुत उसके एजीएम के कॉमेंट्रीज है। वे ये एजीएम में बोलता है, लोग उसको ऐसा समझा कि भगवान आके नहीं, क्या धरती पर कुछ ऐसे अपने विचार बोल रहे, ऐसा बोलते, इतना मानते उसको लोग, उसके ऐसा ऐसा आदमी नहीं है। अपन झुंझुन वालों को इसको मानते हैं, झुंझुन वालों को अपने लिए, ये झुंझुन वाला इसको मानता। मैं क्या बोल रहा समझे क्या आपको? झुंझुन वाला इसे वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया ऐसा सुना है, तो वो खुद बोलता मैं वॉरेन बफेट का फॉलोअर है। तो अपन झुंझुन वाला को इतना बड़ा आदमी समझते, वो बोलता ये मेरे भगवान, ये मेरे तीर्थंकर है, तो ये आदमी कौन होगा? आप अंदाजा लगाइए। और इसके बारे में क्यों बोल रहा हूं, ही इज अ 3rd richest person ऑफ द वर्ल्ड, बख्शीर हाथवे उसे कंपनी का नाम है, और उसके शेयर्स का दाम सबसे ज्यादा है, 3 करोड़ का एक शेयर है उसका। एक शेयर लेना 3 करोड़ देना पड़ता है। President, we'll just see how things develop. I watched the course on everybody's mind the last 2 months or so. अरे क्या नाम है, अभी क्या नाम है इसका ऊपर, मंगू मंगू is you know what, or like, you know, kind of like stepping over a peanut or something, but nevertheless, I want you to assure you, Charlie is in fine shape, and he'll be back next year, and... Charlie Munger. ये है कि भाई, ये इसके दोस्त है, और ये भी देखो कितना बूढ़ा है, और दोनों मस्त है, लेकिन 96 की उम्र में, ये मस्त कोक पीते है। कैसा लगता है इनका 2-5 साल में जाने वाले, पर क्या जी के गए जिंदगी। देखो चार्ली, ये देखो सारा अरे एकदम चट्टी बड़ी दोस्त है। पर आदमी बोलते हैं ना, विचारों से बहुत बड़ा बनता है। इनके विचार अगर सुनेंगे ना आप, अभी यार अपन इंडिया में इतने पीछे अपना सेंसेक्स होके अपन वहां पे इतना सीख रहे हैं। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े इकोनॉमी बैठे हैं, इन्होंने इनकी उम्र के 50-60 साल से ये सब देख रहे हैं, तो क्या कुछ नहीं देखा होगा। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है यार। ये देखो, ये देखो, दोनों साथ में बैठे रहते रहे। ये देखो, ये दोनों का जाने का समय। हाँ, अभी उनका एजीएम देखना, आपको ऐसे एक ऐसा लगेगा कि यार ये क्या बोल रहे, मंत्रमुग्ध हो जाओगे आप। इन्वेस्टमेंट के तरीके बहुत सही है। तो क्या बोलता है, आपके 10 करोड़ के 20 करोड़ हो गए 4 साल में। बोले 20 के 40 कितने हो जाएंगे? 8 साल में 20 के 40 हो गए। सुन लेना, बहुत भारी बोल रहा हूं मैं, वैसे ही FM का भी पॉइंट है, पर यहां पर सुनना। 20 के 40 कितने साल में हो गए? नहीं ना, तो अभी 10 के 40 कितने? 8 साल में हो गए। बोलते धंधे से पैसे नहीं निकालना, जो धंधे में पैसे वही रखना। फिर अब क्या होगा, 40 के 80 हो जाएंगे इन 12 ईयर्स, 12 साल में। अब बोले यहाँ खुश थे, इतना स्लो ग्रोथ हो रहा। वो बोल रहा है इसका मजा 7 और 8 नंबर के बाद देखना। नहीं समझे, 7वां 8वां जब पलटी होगा तो तब कैसा होगा? अब 120 बनेगा 240, 240 बना 16 साल में। अब देखो ये अब की बार 120 से बढ़ोतरी हुई। यही क्या है उसने जीवन में, वो बोला मैंने सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए अनशन बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ आपको रॉकेट साइंस, बहुत बड़ा आदमी बनना है ना तो बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंपाउंडिंग पर विश्वास होना चाहिए।
आपकी इन्वेस्टमेंट सेम होना चाहिए, पर आपके हर चार साल में डबल हो रहा है ना, तो ऐसी कंपनी में पैसा लगा जो डबल करा के देंगी। अब फिर क्या होगा, 16 साल में 124 हो गए, अब 20 साल में वो 500 हो जाएंगे, 240 का 480 हो जाएगा। अब समझा डबल, अब क्यों डबल 240 का हुआ, वो क्या बोल रहा है, मतलब यानी कि आज आपके इसमें 10 करोड़ है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, 20 साल में 500 करोड़। आपको ऐसा लगता है अरे क्या 10 साल का आदमी 20 साल में कैसे 500 करोड़ होंगे, ये इसने करके तो दिखाई, ये तो करना, कोका कोला में उसने इन्वेस्टमेंट कब किया था, बहुत पहले किया था, जब कुछ नहीं था कोका कोला, अभी देखो कैसे पलटी मारा, जितना इन्वेस्टमेंट किया ना उतना डिविडेंड आता उसको एक साल का। अब ये सोचो 2400 साल क्या होगा, आपका अबकी बार का डबल 960 करोड़ हो जाएंगे, ये डबल कर रहा है और उसकी उम्र 96 है, तो बताओ कितने डबल डबल खाया होगा उसने, इसलिए थर्ड रिचेस्ट समझा गया वो, क्या एक तो स्मार्ट इन्वेस्टर रहा, उसने डबल 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 वाले चार चार साल वाले बहुत खाया ना, चार चार साल वाले 15 बार हो गए उसके, मैं समझा आपको, यानी उसकी उम्र इतनी 96 है तो चार चार के 15 बार हो गए ना, यानी 15 बार डबल अगर हो गए आपके पैसे, 10 करोड़ अगर आपके 15 बार डबल हो गए ना तो बिलियन से चल जाओगे आप, नहीं समझा आपको मैं करूंगा, अगली बार का डबल क्या होगा, 960 करोड़ हो जाएंगे आपका, 28 साल में आप 960 करोड़ पे पहुंच जाओगे, अरे आपकी उम्र कितनी अभी 20 साल, 50 साल में आपके पास में 1000 करोड़ रुपए होंगे, यू टेक माय वर्ड्स। इसके लिए आपको बुक और ये सब ज्ञान पढ़ना जरूरी है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जैसे फालतू काम नहीं करना, आपने वो बोलता है आपने जिंदगी में एक भी डिसीजन गलत नहीं लेना, आप पीछे आ जाओगे, अपने जिस धंधे में 10 करोड़ लगा बाकी 5 आ गए तो जो 10 के 20 होना था वो तो हुए नहीं और वो 5 हुए तो आप न जाने कितने साल पीछे चले जाओगे, तो उसने जीवन में रॉन्ग डिसीजंस नहीं लिए ज्यादा, इज अ वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो एनीवेज गाइस आई होप ये किताब का नाम मैं आपको सामने जरूर मैं शेयर करूंगा, पर उम्मीद है आपको ये बातें समझने में सुनने में मजा आ रही है, राइट ये सब्जेक्ट मैंने कहा ना बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा ना, पढ़ाई कर रहे हो, ये SM के आपके बुक के भगवान है, ये कहां पहुंचना है आपको, यहां पहुंचना है, यही वो जगह है, यही वो क्या बोलते हैं, यही मोक्ष की प्राप्ति है, ये सबसे बड़े भगवान है, समझ गए। चलो देखते आगे बढ़ेंगे, जितना वक्त कभी मिले तो इनके AGM के जरूर सुनने की कोशिश करना, अगर आपको बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है शेयर मार्केट में पैसे लगाने से पहले, इनके ज्ञान को जितना सुनेंगे उतना आप गलतियां कम करोगे, और वो बोलता है बड़ा बनने के लिए अनाप शनाप कुछ भी मत करो, साइलेंटली काम करो, 20% रिटर्न आना इंडिया में बहुत बड़ी बात है ही नहीं, 100 रुपए पे 120 रुपए मिल रहा कौन सी बड़ी बात है, आपको बहुत 50-50% वाले रिटर्न वाले नहीं कंपनी नहीं चाहिए, पर 20% चाहिए जो सालों साल तक रुके नहीं बीच में गई, इसलिए किसमें पैसे लगाए, कोका कोला में पैसे लगाए, रुकेंगे ही उसको, कोका कोला रुकेंगे ही नहीं, एप्पल में पैसे लगाए रुकेंगे ही नहीं, वो बढ़ते गए हर साल उसका CAGR 20% के ऊपर ही है एप्पल का, तो ये उसके हिसाब से बढ़ता गया ना। चलो कोई बात नहीं आगे, चलो अब इंडिया में आते, लगभग 1,17,000 करोड़ रुपए, थर्ड पोजीशन पर है शिव नगर, ये HCL के ओनर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों बनाते हैं, IT कंपनी HCL, एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट है जो HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन है, शिव नगर ने HCL कंपनी mid-70s में शुरू की थी जो आगे जाकर IT हार्डवेयर कंपनी बनी और फिर IT एंटरप्राइजेस पिछले 3 दशकों में। तो HCL टेक्नोलॉजीज एक IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, इस कंपनी के ऑफिसेज पूरे दुनिया में कुल 32 देशों में है जिनमें UK, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश है, इन देशों में इस अगर भारतीय रुपए में देखे तो होते है करीब 1,85,000 करोड़ रुपए। सेकेंड पोजिशन पर है गौतम अडानी, ये एक बिजनेसमैन, अब जहाँ पे मोदी जी का सर पे हाथी है तो नंबर 1 भी वही होंगे और नंबर 2 भी वही होंगे, नंबर 1 भी आप जानते कौन है, वन एंड ओनली मोटा भाई, मोदी जी का सर पे आता है ना भाई, तुम सारे एयरपोर्ट उनको दे दिए, दुनिया के हर सब इनके गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यहां पे इनके हिसाब से हो जाती, तो आप जानते हैं पिछले साल इनके ऊपर बहुत मेहरबान थे मोदी जी, और मुझे ऐसा लगता है
इस बंदे को सपोर्ट करने का कारण ये भी हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट इज द पॉलिटिकल स्टैंड बिहाइंड इट, बट कहीं ना कहीं अंबानी का जो मोनोपोली उसको भी डेंट पहुंचाना जरूरी था कि भाई तू अकेला नहीं है, तू बस्ती में बताओ तेरा जैसा और एक खड़ा करके रखा है, तू ज्यादा उड़ेगा ना तो मैं इसको नंबर वन पे लेके आऊंगा। संजय ज्यादा उड़ने का नहीं, ये हमने इसको इस बराबरी में लेकर आया, दो नंबर तेरे बाजू में से समझ के रहे, रिश्ता अच्छे से बनाए रख, नहीं तो। और आप जानते हैं यहाँ पे कांग्रेस की आई पार्टी वहां पे बीजेपी की सरकार हो जाती, गोवा में कांग्रेस के लोग जीत के आए और मुख्यमंत्री बना बीजेपी का, एमपी में कांग्रेस आया बीजेपी का मुख्यमंत्री, ये कौन है? अरे वहां पे सरकारें बदल जा रही है। अपना मैं बोलता ना अपन सबके जो बुद्धिमत्ता ना खत्म हो जाती वहां पे, अमित शाह की चालू होती चाना क्या कौन है, पूरा इंडिया एक्सेप्ट करता है इसको तो। एनीवेज मोदी जी को हम लोग सब एडमायर करते हैं, उनके कोई टिप्पणी नहीं है, आलोचना नहीं है एनीवेज, बट उनका अपना गेम प्लान है, जरूरी भी है, देश में इतने सारे अगर बड़े बड़े लोग आएंगे तो देश का विकास भी होना जरूरी है। अगर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करना है ना, आप सिर्फ अंबानी से उम्मीद कर ले तू ही करा कर तो वो भी कितना करेगा, तो वी वॉन्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर में ये गौतम अडानी अच्छा है, देखो ना जरा क्या काम है इसके। लिस्ट है जो फाउंडर और चेयरमैन है अडानी ग्रुप के, तो अडानी ग्रुप एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड है जिसका पुराना नाम अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड था। ये कंपनी तीन सेगमेंट्स में है, नंबर वन फूड प्रोसेसिंग सेगमेंट, ये एक जॉइंट वेंचर है विलमार इंटरनेशनल और अडानी एंटरप्राइजेस के बीच जिस कंपनी का नाम अडानी विलमार है। इस कंपनी के अंडर भारत का सबसे लार्जेस्ट सेलिंग एडिबल ऑयल आता है फॉर्च्यून। नंबर टू एयरपोर्ट ऑपरेशंस सेगमेंट, इसमें अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स आता है जिसके अंडर इंडिया के 8 एयरपोर्ट्स ऑपरेट हो रहे हैं, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। नंबर थ्री रोड डेवलपमेंट सेगमेंट, इसमें अडानी रोड ट्रांसपोर्ट आता है जिसके अंडर इंडिया में रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और टोलवेज के कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस होते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के अलावा अडानी ग्रुप में काफी कंपनीज है जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड सेज, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन। इस वक्त अडानी ग्रुप पूरी दुनिया में 50 देशों में 70 लोकेशन से ऑपरेट हो रहा है। तो इस वक्त गौतम अडानी की नेटवर्थ है 72.6 बिलियन। अबे क्या है ये तो डायरेक्ट ऊपर चला गया, अभी तो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में आ जाएगा अभी। हाँ 72 बिलियन हो गया इसका, मोटा भाई के करीब करीब पहुंच रहे। इसका वो पीछे कांड भी होता नहीं, उसने सिंगापुर की बहुत सारी कंपनीज को बोला है, उसके ऊपर आरोप लगाया ना सीबी ने। सीबी क्या बोल रहा था कि इसने जो इसके कंपनी में जो शेयर लगाया ना, ये खुद ही अपनी कंपनी में पैसे लगा था। ये क्या करता है, पैसे देता है सिंगापुर की कंपनी को, ऐसा उसके ऊपर आरोप है। जब पता नहीं कितना, इंडिया में तो कुछ भी हो सकता है। सुशांत सिंह का अब तक रिजल्ट नहीं आया, इसका क्या रिजल्ट आएगा? पूरी पब्लिक पीछे पड़ रही है सुशांत सिंह की, उसका रिजल्ट दे दो, उसका रिजल्ट अब तक नहीं आया, इसका क्या रिजल्ट आएंगे? इसके पब्लिक को तो मतलब भी नहीं इससे, वापस अभी आम आदमी का पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होता। ये सेबी का क्या बोलना था, ये क्या करता है, खुद ही पैसे देता सिंगापुर के लोगों को, वो कंपनीज, और वो कंपनीज इसमें पैसे लगाती तो इनके शेयर्स का डिमांड बढ़ता। बोले यही अपने कंपनीज को बोलता तुम ही बाय करो, यानी कि क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा तो शेयर्स के प्राइस, और अल्टीमेटली ये उसका स्टेक होल्डर सबसे बड़ा है तो इसकी नेटवर्थ बढ़ जाती, शेयर्स के प्राइस बढ़े तो। इसलिए तो इनके नेटवर्थ जो है ना, अभी कुछ तो अगले मिनट में कुछ हो जाती। अब जिस दिन रिलायंस अगर 3000 का हो गया ना इंडिया में, तो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आराम से आता मुकेश अंबानी, उसमें डाउट नहीं है। और मुकेश अंबानी को टॉप 30 क्या बोलते हैं, 3000 का शेयर तो उसका रेट होना ही है आने वाले 2 साल में। मुकेश अंबानी के शेयर्स के जो रिलायंस के प्राइस है 3000, तो उसमें डाउट ही नहीं है, उसी में इंतजार कर रहा है। देखो 2021 में खेल रहा बहुत देर से, वो जिस दिन शूट होगा ना वो ऐसा लेके जाएगा ना, वो बस इंतजार है। अब देखो आएगा मुकेश जी आएंगे। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 5,15,000 करोड़। इस लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन पर है मुकेश अंबानी, ये एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट है जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, साथ ही लार्ज
लार्जेस्ट शेयर होल्डर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस वक्त ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। 10 सितंबर 2020 को रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की पहली कंपनी बनी जिसने $200 बिलियन का मार्केट कैपिटल क्रॉस किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज डिफरेंट सेक्टर्स में है जैसे एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल और टेलीकम्युनिकेशंस। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी की रिफाइनिंग कैपेसिटी 1.24 मिलियन बैरल ऑयल पर डे है। और रिलायंस का जियो इस वक्त इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बन चुका है जो और अदर डिजिटल बिजनेसेस में भी है। इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1,95,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। अगर आपको रिलायंस के बारे में और ज्यादा जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखेंगे। और मोटा भाई के बारे में हम वैसे भी जानते हैं, वो रोज सुर्खियों में अखबारों में रहते हैं। तो रिलायंस के मुकेश अंबानी ने ना कि सिर्फ पैसे कमाए ज्यादा, नाम बहुत कमाया है। आज आप देखते हो उनकी शादी अगर जब होती है उनके घर में तो पूरा बॉलीवुड वहां पे आ जाता है। तो ये ऐसे इंसान है जिन्होंने नाम भी कमाया, पैसे भी कमाए। और मुझे सच में मुझे इनके एक बात सबसे जो अच्छी लगी थी, मैं जब बहुत प्रभावित हुआ लॉकडाउन में, सारी कंपनियां नीचे जा रही थी और उन्होंने लॉकडाउन में जो इन्वेस्टमेंट लाया, फेसबुक को बोला तुम मेरे अंदर बन जाओ, स्टेक होल्डर बन जाओ। फेसबुक, गूगल, KKR जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इनके अंदर जब पैसे इन्वेस्ट किए तो ये साबित हो गया कि इस बंदे में कुछ तो अलग बात है। जब वर्ल्ड, आप जानते हैं जब सेंसेक्स 30,000 चल रहा था उस समय में इसने बोला कि मुझे अपना प्राइवेट इक्विटी बेचना है, PE, पब्लिक को नहीं देना, मुझे PE देना, प्राइवेट इक्विटी चाहिए। प्राइवेट इक्विटी में क्या किया इसने, अपनी कंपनी का जियो का वैल्यूएशन, यानी जियो जो 1.5 लाख करोड़ से बनी है उसका वैल्यूएशन किया 6 लाख करोड़ का, और 6 लाख करोड़ का 30% माल बांटा, यानी कि 1,80,000 करोड़ मार्केट से उठा के अपना पूरा डेट खत्म कर दिया। यानी कि सोच रहे हो क्या, 1.5 लाख करोड़ की कंपनी, उसका सिर्फ 30% माल बेचा 1,80,00,000 में, यानी कि सभी बाकी बची कंपनी उसके लिए फोकट है अभी। अरे उसके लगाए पैसे तो आ गए ना, अभी वो किसका ओनर है, जियो का 70% अभी उनके हाथ में है। 30% माल बेचा, किसको बेचा, गूगल को बेचा, फेसबुक को 9.9 कुछ दिया हुआ है। तो फेसबुक अगर जियो में पैसे लगा रहा है, इसके दो फायदे हुए, इनको पैसे मिल गए, इनका डेट फ्री कंपनी हो गया, और साथ साथ में जियो के अंदर जब फेसबुक पैसे लगा रहा है तो ये जो संकेत है ये सादे संकेत नहीं है। अगर वो मार्क जकरबर्ग लगा रहा है ना, उसके पास में भी बहुत होशियार से होशियार चाणक्य बैठे होंगे। किसके पास, ओके, ऐसा ऐसा लगता है कि मार्क जकरबर्ग उसके पास में भी तो पैसे, उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना सर, वो लैरी पेज पैसे लगा रहा है तो कुछ ना कुछ सोचा है। और आपको पता है जब ये लोग पैसे लगा रहे तो इसका मतलब साफ संदेश है देशवासियों को, अगर वो लगा रहे तो आप क्यों नहीं लगा रहे, आप नहीं लगा रहे तो आप बेवकूफ हो। जियो के नेटवर्थ का, हाँ अभी 30% ओनर ही हो गया ना, अगर वो जो भी प्रॉफिट कमाएंगे 30% उनका हो गया, 30% ही माल काटा उसने। अब उनके हाथ में था कि तुम पब्लिक को काटो या इनको काटो। जैसे जोमेटो ने क्या 90% अभी तक खुद के पास रखा, 10% का IPO लाया, अब उनको उनके ऊपर उनको माल कितना काटना है मार्केट में, उनको जितनी जरूरत है पैसे की। अब जियो चाहे तो पूरा 100% बेच देंगे मार्केट में, अभी बोलो। अब जैसे गूगल ने पैसे लगाए, फेसबुक ने, तो दुनिया के सब लोग, अमेजन बोला मेरे भी पैसे लगा, पर वो बोल रहा कि नहीं अभी मैं उसको नए दाम पे बेचूंगा, तो अभी मेरे को जितनी जरूरत थी ना मेरा हो गया। और लॉकडाउन में दिस वॉज द ओनली शेयर जिसकी वजह से इंडिया में पॉजिटिविटी क्रिएट हुई। तो ये बहुत आसान, ये जो नॉर्मल बंदा नहीं है मुकेश अंबानी, ये जहां पे लोगों की सोच खत्म होती है ना, पूरा मार्केट नेगेटिव और अकेले रिलायंस पॉजिटिव। ला भाई ये अगर आपको याद होगा, ये पिछले साल के 2020 के मार्च, अप्रैल, मई, जून का जो है ये आलम था कि वी वॉज सो नेगेटिव एंड ही वॉज द ओनली कंपनी विच वॉज वेरी बड़ा, पीपल वर यू नो इन्वेस्टिंग सो मच। तो उसका शेयर का रेट 990 हुआ था, रिमेंबर लॉकडाउन मार्च 2020 990 से आज 2000 डबल करवा दे। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू नो द मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का कोई चैलेंज नहीं, वो भले ही आप बोलेंगे वो धीरू भाई का लड़का है, वॉट एवर, धीरू भाई का लड़का तो अनिल भी तो है ना, वो कैसा हवला है, वो हवला नंबर वन है, उसने जो दिया था ना वो भी खो दिया, और इसने कहां से कहां पहुंचा है। उसको अनिल अंबानी को अंदर इसका नोटिस आया, किसका, इंडियन बैंकरप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का एक नोटिस आया कि भाई ये पैसे भरने तो अंदर जाना पड़ेगा। तो फिर माँ कोकिला बहन ने बोला तेरा छोटा भाई है वो जाएगा जेल में, पैसे दे दे तू। तो मम्मी ने बोला, तो फिर मुकेश जी ने 450 करोड़ रुपए दिए और वो जेल में जाने से बचा। एक भाई हौला जिसने पूरा जो दिया था विरासत में उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे हाथ ऊपर है अभी, अभी कुछ नहीं उसके पास, एक्चुअल में कुछ नहीं है, सब कर रहे, सब ऐसे ऐसी कंपनी में पैसे लगाए
देखो मुकेश अंबानी ने क्या किया, बहुत सारे धंधे नए नए डाले नहीं, उसको जो समझता ना ऐसे फालतू काम नहीं किया उसने। ये अनिल हावला है, ये भी कंपनी ले ले, वो भी ले ले, अरे वो भी जिसको समझ नहीं वो भी ले ले, अरे ऐसे थोड़ा ना ले 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 चलता है पैसे। इसका मतलब विरासत में क्या होता है, जब विरासत जब इनका बंटवारा हुआ तो अनिल अंबानी का बहुत लिक्विड पैसा था। मुकेश बोला देखो पापा की कंपनी ना वो जो पेट्रोल की वो रिफाइनरीज, उसको मेरे को छोड़ना नहीं है, तो कुछ जो लेना ले ले तो मेरे से, बोले तू रिलायंस कैपिटल ले ले तेरे पास, रिलायंस मनी तेरे पास ले ले। और ये नए नए धंधे भी बहुत बुलिश था, टेलीकॉम तू रख ले बोले जान दे चल। तो अनिल अंबानी लगता जो नए नए जो लेटेस्ट धंधे कैपिटल मनी और ये सब टेलीकॉम, उसका वो माहौल करेगा, बोले छोटा तू रख ले। और वो छोटा बोले मेरे को और पैसे भी दो, बोले तू पैसे भी रख ले, ये पैसे ले ले कंपनी रख ले, पर ये रिफाइनरीज ये टेक्सटाइल जो पप्पा की कंपनी उसको हाथ मत लगा दो उसको मैं तो। इसने अगर जो जो उसको समझता है ना उसने बहुत, आप देखोगे मुकेश अंबानी ने बहुत सारा ऐसा अनाम शनाम 500 टाइप की कंपनी नहीं खोल कर रखी है, उसका एक डोमेन है जो रिफाइनरीज टेक्सटाइल टेलीकॉम ये इतना होता। अभी हाल ही में रिटेल में घुसा है रिलायंस जियो मार्केट में, अगर देखोगे ना ऐसे बास्केट में ऐसा ये भी ले ले रहा वो भी, ऐसा कुछ भी अनाप शनाप नहीं किया जो जिसकी सूझबूझ है। और ये अनिल अंबानी ने उल्टा किया, ये भी ले ले वो भी ले ले, एक कंपनी नहीं बची जिसमें प्रॉफिट हुआ, एक कंपनी ने एक भी कंपनी ने। ये तो स्ट्रैटेजी का गेम है, ये तो सब्जेक्ट सिखाता है। 2006 में जब बंटवारा हुआ दोनों के इसमें इक्वल संपत्ति, तब अनिल अंबानी देश के टॉप 10 में हुआ करते थे, इसका नाम भी नजर चलेगा। और 15 साल में आलम यह है कि वो टॉप 50 में भी नहीं अनिल, अरे टॉप 50 में क्या टॉप 100 में, और ये है एसएम का फर्क, दिस इज द डिफरेंस क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एसएम। आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि कैसे करना है, कैसे कौन से बिजनेस में घुसना है, कहां पे कैसे प्लान करना है। सिर्फ पैसे होने से कुछ नहीं होगा, आपको पैसों का इस्तेमाल स्ट्रैटेजी समझना चाहिए, कौन से बिजनेस में जाना है, क्या करना है। एसएम भी आना चाहिए, एफएम भी आना चाहिए, सर ओके। तो देखते आगे दोस्तों, ओके ये सारी बातें जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, इन सब्जेक्ट का ये जो स्ट्रैटेजीज जब हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग एक विषय पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज, तो जब मैं स्ट्रैटेजी के साथ बताऊंगा तो आपको तब मैं पूछूंगा कि ऐसे कौन से स्ट्रैटेजीज मुकेश अंबानी ने करी जिसके से मुकेश अंबानी इतना सक्सेसफुल हुआ। स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट विच इज देयर टू फुलफिल द गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी। अब मेरा कॉन्सेप्ट नया जिसका नाम है स्ट्रैटेजी। क्या होता है स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज देयर टू फुलफिल द गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी। आज मैं यहां हूं, यहां से मुझे वहां जाना है, वो प्राप्त करने के लिए मैं जो करता हूं ना उसका नाम स्ट्रैटेजी होता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? बोलो मैं क्या बोल रहा हूं। आज मैं यहां हूं और मुझे वहां जाना है, अपने सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 का नाम ही है, सब्जेक्ट का नाम ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यानी वी नीड टू नो अबाउट स्ट्रैटेजीज। भाई स्ट्रैटेजी किसको बोलते हैं? तो बच्चों हम लोग कोई भी ऐसे एक्शन ले जो हमें अपने विजन के करीब पहुंचाए उसको स्ट्रैटेजी कहते हैं। वापस से बोलो क्या क्या बोला मैंने? जो भी हम ऐसा काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं हम लोग, जो भी कुछ भी करे, कुछ भी करे मतलब कुछ भी करे। ये देखो आपकी एसएम की बुक मैं आपके सामने खोल रहा हूं, ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी 1.02 पे, ये स्ट्रेटजी हमें पढ़ना है, राइट? अब अगर मैं इन सब लोगों के बारे में बताता ही नहीं आपको और मैं डायरेक्टली स्ट्रैटेजी चालू करूंगा, अब मुझे हर कोई स्ट्रैटेजी इन लोगों से रिलेट करना है कि देखो बताओ ये क्या चीज है, ये क्या करते हैं लोग, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये मुझे आपको बताना है। और ये मैं आपको, और देखो एक स्ट्रैटेजी और एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है ना, तो ये चैप्टर ही ऐसे है स्ट्रैटेजीज। आपको आज स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ, इतने सारे एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं रियल लाइफ में, पर स्ट्रैटेजी का मतलब जानिए पहले, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी सिक्स टू रिलेट, क्या लिखा है? गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द मींस फॉर, यानी कि हम लोग अपने गोल्स अपने विजन को पाने के लिए जो करते हैं उसको हम लोग स्ट्रैटेजी कहते हैं, राइट? अगर आपने कोई याद करिए एक मैच बहुत फेमस हुआ था क्रिकेट में, इफ यू रिमेंबर, वो मैच था इंडिया और बांग्लादेश का और धोनी का कैप्टनशिप था, एक ओवर कुछ बची थी और लास्ट का कुछ बॉल तक मैच जाती है और धोनी उसको रन आउट करता है। यू रिमेंबर दैट मैच? ऐसी बहुत ही ऐतिहासिक मैच हुई थी
और ऐसा बहुत लोग उस बांग्लादेश के रोते हैं उसमें. आई थिंक ये बहुत रिसेंट मैच है, दो चार साल पुरानी मैच है. और एक बॉल में दो रन है, कुछ तो समथिंग वॉज देयर. और लास्ट बॉल में रन आउट, एक रन भी नहीं, मैच उनकी इक्वल भी नहीं होती. और हार्दिक पांड्या शायद से कुछ बॉल डालता है, ऐसा कुछ तो है. ऐसा कुछ होता है. इफ यू रिमेंबर दैट मैच, तो आप कहेंगे मैच की क्या जरूरत है यहाँ पे. यही तो स्ट्रैटेजी है. धोनी हर बॉल पे जो करता है वो स्ट्रैटेजी तो था. ये बॉल डालेंगे, ऐसा बॉल डालेंगे, इसको बॉलिंग देंगे. नेहरा के साथ में वो प्लानिंग करता है कि आप कैसा बॉल डालना, फील्डिंग कैसे लगाना. अगर वो मैच अगर आपको याद आ रही होगी तो आपको ये पता होगा कि क्रिकेट के हर मैच में जो हम लोग करते हैं ना, हर मैच में हर ओवर में स्थिति को देखते हुए कितने बॉल में कितने रन बनाना है, किसको बॉलिंग डालना है, पहले कौन जाएगा, बाद में कौन जाएगा, बॉलिंग किसको, स्पिनर पहले क्या फास्टर पहले. ये क्रिकेट के मैच की बहुत चीजें वो उस समय पे वो व्यक्ति को कैप्टन डिसाइड करता है कि उस मैच के रवैये को देखते हुए, उस माहौल को देखते हुए. तो हर मैच में हर कोई ओवर में हर कोई बॉल पे, वैसे अगर मान लो बहुत लास्ट का बहुत सामना बहुत इसका चल रहा है, टसल वाला चल रहा है, तो एक एक बॉल की प्लानिंग होती है. इस बॉल पे कितने रन बनाए अगले, उसके हिसाब से प्लानिंग होती है. तो ये सब अगर आपने वो देखा होगा, ये स्ट्रैटेजी धोनी जो करता था, ये स्ट्रैटेजी हर कोई बॉल पे जो वो बॉलर से मिलके जो उसको बोल रहा था, इट इज नथिंग बट अ स्ट्रैटेजी. ये ऐसा एक्शन विच इज हेल्पिंग यू टू अचीव योर गोल्स. एंड व्हाट वाज द गोल, आपको मैच जीतना है. और मैच जीतने के लिए आप जो 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 करते हो, जो लोग फुटबॉल के शौकीन यहां पे बैठे हैं उनको भी पता है वो क्या स्ट्रैटेजीज प्ले करते हैं. फुटबॉल में तो देखो क्रेजी, उनका तो मतलब लेवल ही अलग है. वो पता नहीं क्या करते हैं, मतलब वहां पे भी आपने स्ट्रैटेजी का एक लेवल देखा होगा. क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, आपको नजर आता होगा क्या प्लानिंग चलती, क्या स्ट्रैटेजीज करते हैं. तो स्ट्रैटेजीज ये सिर्फ क्रिकेट में और फुटबॉल में और स्पोर्ट्स में नहीं होती, बिजनेस में भी स्ट्रैटेजीज होती है. हम हर कोई ऐसा काम करे जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव अगर अचीव हो रहा है, उस हर कोई काम को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रैटेजी. तो स्ट्रैटेजी आज मैं यहां हूं, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. एग्जाम्पल लेते हैं सनफार्मा की. सनफार्मा इंडिया के फोर्थ रैंकिंग पे था, मान लीजिए इंडिया में सेकंड और वर्ल्ड पे फोर्थ रैंकिंग. तो उसको सेकंड से नंबर वन पे जाने का था. किसको? सनफार्मा. अब सनफार्मा दिलीप संघवी ने सोचा यार मुझे एक नंबर बनना है, मेरे पास दो रास्ते हैं. एक तो मैं खुद से नए नए पेटेंट ले लेके 10-5 साल में एक नंबर बनूं, या फिर मैं काम करूं किसी को मैं एक्वायर कर लूं. तो उसने क्या करा, रैनबैक्सी को एक्वायर किया. रैनबैक्सी वापस एक फार्मा कंपनी है. और रैनबैक्सी को एक्वायर करने के तुरंत ही बाद द सन फार्मा हैज बिकम इंडियाज नंबर वन फार्मा कंपनी. ये स्ट्रैटेजीज है. यू शुड नो हाउ टू प्ले स्ट्रैटेजीज. आपके सपनों को अचीव करने के लिए आपके इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पर आपको पता होना चाहिए सही ऑप्शन कौन सा चुनना है. लोग स्ट्रैटेजीज बहुत करते हैं पर हर कोई इंसान जीतता नहीं है. अंडरस्टैंड करो, धोनी ने किसी मैच में किसी गलत बॉलर को बॉलिंग दे दिया और मैच हार गए, तो स्ट्रैटेजी तो तब भी की थी, वो गलत स्ट्रैटेजी साबित है. हर मैच में हमारी स्ट्रैटेजी सही होगी जरूरी नहीं. अरे बोलो ना, ऐसा होता है ना. तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ यह हुआ कि इंसान हर कोई एक्शन करता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के, पर जरूरी नहीं कि दुनिया का हर कोई स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल और कामयाबी हो. कभी कभी स्ट्रैटेजी गलत भी साबित हो सकती है. एग्जाम्पल रतन टाटा की नैनो को लॉन्चिंग, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्स्ट स्ट्रैटेजी एवर. पूरा सपना चकनाचूर. हाँ कुछ नहीं, स्ट्रैटेजी गलत हो गई ना. क्या गलत हो मैं आपको समझाता हूं. अगर आपको नैनो जो कि हालांकि बहुत चलना चाहिए, टू व्हीलर के दाम में फोर व्हीलर मिल रही है, अभी क्या चाहिए और 2 लाख में 1 लाख में लॉन्च कर दिया. क्या हुआ, रतन टाटा की स्ट्रैटेजी को गलत बताता हूं मैं. हर कोई रतन टाटा को बहुत एडमायर करते हैं हम लोग, पूरा उनका कोई उनके चैलेंज नहीं है, पर मुझे इकलौता वो एग्जाम्पल आता याद आ रहा है रतन टाटा के जहां पे गलत साबित हुआ. अदरवाइज रतन टाटा इज एवरग्रीन पर्सन, मतलब उनसे तो पूरे वर्ल्ड ने सीखा है. हम तो बहुत छोटे लोग हैं, ये एसएम सब्जेक्ट उन्होंने खाया पिया जिया सब कुछ है, और उनकी उसूलों की जो बात है पूरा वर्ल्ड करता है. यानी कि कभी कोई कहता है कि अगर मैं रिलायंस और रतन टाटा के बारे में बात करता हूँ, डिफरेंस देखता हूँ, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ यू नो, आपको पता होना चाहिए एथिक्स. अगर हम लोग रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस ने शाम दाम दंड भेद हर कोई अपना के नंबर वन हासिल करने की कोशिश की है, पर जहां तक कि रतन टाटा का सवाल है, उन्होंने भ्रष्टाचारी को कभी भी प्रमोट नहीं किया है. वो अपने आप में एक अलग एथिकल आदमी है. ब्राइब देना उनका काम नहीं है, जो भी काम है सही साथ काम करते हैं, फालतू के चक्करों में आते नहीं. उनका अलग तरीका है, पर उनकी जो स्ट्रैटेजी जो गलत हुई थी उन्होंने, अब बताओ नैनो गलत क्यों हुई. देखो इंसान टू व्हीलर को छोड़ के फोर व्हीलर क्यों ज्वाइन करता, एक तो सेफ्टी के लिए,
सेफ्टी के लिए कि भाई मुझे सेफ्टी चाहिए, और दूसरी बात टू व्हीलर से फोर व्हीलर में इंसान क्यों जाता है, एक तो सेफ्टी के लिए और एक तो थोड़ा सा कंफर्ट के लिए कि मैं टू व्हीलर से ज्यादा फोर व्हीलर में कंफर्टेबल फील करूं। नैनो को क्या हुआ, और एक था इंसान फोर व्हीलर स्टेटस सिंबल के लिए लेता है कि भाई फोर व्हीलर है अपने पास। अब क्या हुआ, नैनो को लग गई आग, बहुत नैनो को लग गई आग। उन्होंने क्या करा, सस्ते के चक्कर में वो मशीन का थोड़ा सा, उनके इतने शुरुआती दिनों में इतने नैनो को आग लगी, वो तुमने स्पीड बढ़ाया कि पीछे आग लग जाती थी, स्पीड बढ़ाया कि पीछे आग लगी कितनी सारी कार को। अगर आपने कुछ एक्सेलेटर को उसका बहुत बड़ा एक लेवल के बाद में, अगर आप, मैं यहां पे गूगल पे डालूंगा नैनो में आग, नैनो फायर, तो आपको कई सारे एग्जाम्पल दिखेंगे, तो लोगों के दिल में वो दहशत बढ़ गई। फिर उनकी गाड़ी में कैसा, अगर इंसान अंदर जाए तो निकलने का प्रॉब्लम, गाड़ी बनाई इतनी छोटी, अंदर से चलेगा बाहर कैसे निकलेगा। और तीसरी बड़ी बात, उन्होंने अपने प्रचार में लिख दिया गरीबों की कार, गरीबों की कार, गरीबों की कार। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को गरीब यहां पे चिपकाना नहीं चाहता कि मैं गरीब हूं। अब क्या कोई नैनो लेके चला तो लोग बोलते अरे नैनो ले रहे बेचारे के पास, मतलब उसकी फोटो लेके गए तेल लगाने, नैनो रे गरीब है बेचारा, मतलब आदमी गरीब नहीं है, पर लोगों की सोच अरे नैनो रे, मतलब लोग भी दो बार उसके ऊपर माया दया की भावनाओं से देखते नैनो रे। लोग बोलते हैं मैं पैदल चल लूंगा, पर नैनो में नहीं, कम से कम पैदल जाऊंगा ना, मेरी इज्जत तो मेरे को पता है मैं कौन हूं, नैनो में जाऊंगा तो ये डिक्लेयर गरीब है, घोषित हो गया ना। तो तुमने क्या करा, स्ट्रैटेजी बनाई गरीबों की कार, गरीबों की कार, अरे कौन बोलेगा मैं गरीब हूं। कोई पेरेंट्स नैनो लेंगे तो बच्चा कहेंगे पापा रहने दो ना, हम ऑटो से ले जाएंगे, नैनो मत लो बस। मैं अगर किसको कॉलेज में लेके जाऊंगा या तुम मेरे को स्कूल में, लोग क्या बोलेंगे कि पापा के पास नैनो है, तो क्या वो प्रॉब्लम हो गई। एक लाइन उनकी जिंदगी बर्बाद कर गई, गरीबों की कार खत्म हो गए भाई, ब्रांड वैल्यू डाउन, नैनो ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर है भाई, स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है आपकी कभी कभी, समझ में आ रहा है। तीसरी, अब देखो अब अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जियो का जो मार्केट शेयर है पता नहीं कौन क्या क्या बोल रहा है इस ग्रुप के ऊपर, ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, स्ट्रैटेजी की हम लोग बात करते हैं, आपसे मेरा एक सवाल है, आप मुझे बताओ ऐसा जियो ने क्या किया जिसके से जियो इतना कामयाब साबित हुआ। जरा आओ ना, जियो का रफ्तार हम लोग देखते हैं, जियो का जो ग्रोथ है इतना, एक जमाने में एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, टेलीनॉर, अरे क्या क्या थे, 13 कंपनीज इंडिया में थी, 13 कंपनी टेलीकॉम की थी, अब सिर्फ 2 बची है, क्या क्या था इसके पीछे का राज, क्या स्ट्रैटेजी प्ले किया उसने। जियो ग्रोथ, $42 million है अभी तक तो फिलहाल एड्स, 42, अच्छा पहले जितना वो सस्ता था अभी सस्ता नहीं है जियो, आपको क्या जियो सस्ता लग रहा है अभी। अरे भाई वो कौन है, क्या कर रहा है, जरा देखो यहां से ध्यान से, क्या था ये, कौन से साल में लॉन्च किया इसको, 2017, क्या था तब, 0 million, क्या है अभी, 2018 में कितना हुआ, 12 करोड़ लोग, 2020 में 32 करोड़ लोग, 2021 में 42 करोड़ लोग, यानी कि 4 साल के अंदर तुमने 42 करोड़ लोग, इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़, उस 130 करोड़ उसमें से 42 करोड़ लोग जियो को इस्तेमाल करते हैं, लगभग एयरटेल के करीब करीब। क्या आप इसको सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी मानते हो, मानते हो क्या, आगे बोलो, लोगों की धज्जियां उड़ा दी तुमने, कहीं का नहीं छोड़ा, वो आइडिया का शेयर 6 रुपए हो गया, वोडाफोन इंडिया में आने को तैयार नहीं, टेलीनॉर जो पाकिस्तान का, तो बोले मैं बंद हो रहा हूं, मैं फिर से कभी ना आऊंगा, मैं पुनः नाइनर नहीं आऊंगा मैं इंडिया में वापस। बीएसएनएल बोलता मेरे को इनके आना ही नहीं बीच में, मेरे को बीएसएनएल बोला मैं अपने आप को सरेंडर कर चुका हूं, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, न जाने कितनी कंपनीज को इन्होंने बर्बाद कर दिया, इनके इनका जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इनका सब पैसे बर्बाद हो गए, पैसे लगाए ना भाई इतने सारे और कुछ नहीं मिला। इंडिया मानते बहुत बड़ा
टेलीकॉम के लिए प्रपोज्ड मार्केट, आई मीन बहुत बड़ा मार्केट है ये इंडिया में। आने वाले समय में टेलीफोन के साथ साथ में लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, लोग डिश टीवी यूज कर रहे हैं, लोग डेटा इतना यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का इतना यूसेज है। इंडिया बहुत बड़ी हाईटेक कंपनी है, हाईटेक कंट्री है, तो जाहिर सी बात है यहां पे तो इस चीज का ग्रोथ बहुत है। पर साला ये बंदा ऐसा निकला ना, आप मुझे बताओ जियो की कौन सी स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में आती है, क्या किया है बंदे ने काम, मतलब क्या है ये? मतलब सबसे पहली बात तो 1.5 लाख करोड़ के केबल घुसेड़ के उन्होंने 4G के, जब लोगों को, आपको पता है ये जब बंटवारा हुआ था इनका 2010 में, तो इसमें नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट था इसका, यानी कि अनिल ने बोला था मोटा भाई इस धंधे में नहीं आने का, आने वाले इस साल इतने साल तक, 10 साल या 5 साल व्हाटएवर, बोले नहीं आऊंगा कोई बात नहीं। कितने साल नहीं आना? बोले इतने साल नहीं आने का, बोले नहीं आऊंगा। आपको मालूम है जब जियो जब रिलायंस टेलीकॉम जब चल रहा था, भले ही बंटवारे में वो अनिल अंबानी को मिला था, पर रिलायंस टेलीकॉम को जो ठीक से ऑब्जर्व किया था वो मुकेश अंबानी था। ये मुकेश अंबानी का ड्रीम था कि उसको टेलीकॉम इंडिया में बहुत आगे ले जाना था। तो क्या वो बंटवारे में ऐसा हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो जिसकी कंपनी उसको नहीं मिली वो छोटे भाई को मिल गए, इसको बहुत दर्द तब से था। उन्होंने बोला अब तो ठीक है, अभी नॉन कॉम्पिट में ऐसा आना, नॉन कॉम्पिट समझता है, बोले मोटा भाई तो अब इस बिजनेस में मत आना, तू ऑलरेडी पापा की कंपनी संभाल रहा ना, तू पेट्रोल वेट्रोल तू वो संभाल, इधर नहीं आने के बारे में। बोले ठीक है, कितने साल? बोले 10 साल नहीं आना, वॉट एवर, ठीक है, बोले कोई बात नहीं। इन्होंने 2010 से जो केबल घुसेड़ना चालू किया ना इंडिया में, जब लोग इंडिया में ढंग से 2G नहीं चल रहा था, इंडिया में ढंग से 2G नहीं चल रहा था, ये 4G के केबल घुसेड़ रहा था 1.5 लाख करोड़ के, पूरा रिजर्व लगा दिया इसने उसके अंदर। और 2017 में जब जियो आया, तो जब लोगों को समझा इसके अंदर 4G है, जो स्पीड दिया उसने, तो लोगों को आइडिया एयरटेल लैंस इनको समझा ही नहीं गया, इसको कॉम्पीट इसको बोलते चारों कोने चित, बोले आप तुमको कर भी तो तुमको अब इनके लेवल पे आना तो तुमको 5 साल लगेंगे इतना बनने के लिए, और सोचो 5 साल में रिलायंस कहां पे जाएगा। 2017 में जो स्थिति थी उसके इतना बनने के लिए इनको 5 साल और लगते। इसको बोलते मोटा भाई का गेम प्लान, चारों कोने चित, अब तुमको क्या करना उखाड़ लो। अरे कितने केबल इंडिया में डाले, उसको बोलते फाइबर ऑप्टिक केबल्स, इतना स्पीड इतना रफ्तार। ये सबसे पहली बात, ये हुई स्ट्रैटेजी, यूनिकनेस इन द प्रोडक्ट, इसको तो स्ट्रैटेजी, ये तो स्ट्रैटेजी गेम प्लान है। आप ऐसा शतरंज में चाल दे दो सामने वाले को, चेकमेट, ये चेकमेट है, उसको सामने वाले को हिलना हिलना नहीं बे, तू आप हिल के बता, चल तू क्या करेगा आप बता। 7 साल से मैं यहां पे झग मार रहा हूं, फाइबर ऑप्टिक गवर्नमेंट से परमिशन ले लेके गड्ढों में घुसेड़ रहा हूं, डेट के पैसे ले लेके मैं, अब तुम क्या कर लोगे? अब तुम्हें करना भी ना, तुम्हारे को अब तुम्हारी औखा भी नहीं बे, इसको चेकमेट बोलते हैं। ये स्ट्रेटेजी चेकमेट ऑप्शन है। दूसरी बात, इतना सस्ता लाया ना, फोकट में दिया बे, एक साल में अब आप कैसा बजाया, अब पूरा वसूल रहा, और अब लत लग गई, लोग छोड़ रहे भी नहीं, इतना लोगों को इंटरनेट फ्री दे दिया कि लोगों को यूट्यूब का चस्का लग गया। जियो के आने के बाद में इंटरनेट वाले गेम्स चलने लगे, पबजी इंटरनेट इंटरनेट गेम है राइट, ऑफलाइन चलता है ऑनलाइन चलता है, कैसे चलता है, इंटरनेट पे चलता है, पूरा फोकट में देखे लोगों ने, इतना मजा आया, लोग लगाया भाई आप तो ये जिंदगी का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई, आप एडिक्शन बना दे। यही तो स्ट्रेटेजी, यही तो आपको इस सब्जेक्ट से सीखना है, आपका प्रोडक्ट यूनिकनेस, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, इसको बोलते डिस्काउंट स्ट्रेटेजी, पूरा डिस्काउंट करके पूरा माल सब्सक्राइबर बेस बना ले। अब इन सब्सक्राइबर को इसमें लेकर आ गए, अब तुम छोड़ भी नहीं सकते, अब मेरे पास जियो में छोड़ता नहीं, क्योंकि आदत सी है मुझे उसकी, समझ गए? ये है मोटा भाई की स्ट्रेटेजी। दो स्ट्रेटेजी को समझे, प्रोडक्ट के अंदर कुछ तो अलग लाया, आवाज अच्छी, स्पीड अच्छी, सब कुछ अच्छा, और साथ में सस्ता भी। ये है मुकेश अंबानी का गेम प्लान। उसके बाद में तीसरी बात अगर मैं आपसे पूछूं, अलग टाइप की स्ट्रेटेजी लोग बनाते हैं। फेसबुक ने एक्वायर किया व्हाट्सएप को, और फेसबुक ने एक्वायर किया इंस्टाग्राम को। ये इंस्टाग्राम की स्टोरी भी सुनने जैसी है यार, केवल $1 बिलियन में फेसबुक ने 2006 में या 2010 में आया, मैं आपको दिखाता हूं इधर, इंस्टाग्राम को एक्वायर किया था जब इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं था। इंसान की सोच उसको आगे ले जाती, विजन होना चाहिए। आज वो इंस्टाग्राम 2020-2021 में सर्वोच्च सोशल मीडिया का एप्लीकेशन है जिसने बनाया। मैंने सोचो ना, एक छोटा सा एप्लीकेशन बना था सर, कहां से कहां पहुंचा है।
ये आपकी स्ट्रैटेजी। कभी कभी इंसान को खुद से आगे बढ़ना नहीं चाहिए, अगर कुछ बाजार में है तो उसको ले लेना चाहिए। वही स्ट्रैटेजी बनाई थी गूगल ने जब गूगल ने एंड्रॉयड को एक्वायर किया था। एंड्रॉयड गूगल का था ही नहीं, आज 90% मोबाइल फोन्स एंड्रॉयड है। उस एंड्रॉयड के अंदर जो आपका प्ले स्टोर है ना, इट बिलोंग्स टू गूगल। यानी कि आपको समझ रहा नहीं हुआ जो मैं आगे बोल रहा हूं, उसके अंदर जितने ऐप बिकते हैं ना, उस ऐप की 30% कमाई जो है ना गूगल को जाती है। आई रिपीट अगेन, अगर आपने 1,000 रुपए का ऐप लिया, अब बहुत सारे लोग ऐप लेते ना, अरे ऐप प्ले स्टोर का ऐप बहुत सारे फ्री होते हैं, बहुत सारे पेड भी होते हैं। 30% ऑफ द इनकम ऑफ दोज एप्लीकेशन गोज टू गूगल डायरेक्टली। इसलिए लैरी पेज वर्ल्ड के 6-7 नंबर पर है। आगे सुनना क्यों, क्योंकि अब 90% मोबाइल अगर मान लो वर्ल्ड में एंड्रॉइड बेस्ड है, तो हर मोबाइल में गूगल ने अपनी दुकान खोल दी, प्ले स्टोर नाम की दुकान खोल दी। अब कुछ तो एक आदमी कुछ ना कुछ तो देखो, हर कोई चीज फोकट नहीं, कुछ ना कुछ तो खरीदता ही है। वो कुछ के क्राउड पर है, प्ले स्टोर गूगल के क्राउड पर है। गूगल बोलता है मेरे फोन में, तो एक तो एक काम कर, मेरे इसमें मत बेच। फिर देखो बेचना है ना, तो फिर मेरा 30% लगेगा। तो 1,000 रुपए ऐप डाउनलोड करेंगे आप, 300 रुपए गूगल के खाते में बैठे बैठे कमाई। एंड्रॉइड 2009 में एक्वायर किया था। आइए जरा देखते हैं ये स्ट्रैटेजीज को, देखिए छोटी छोटी चीजें करी इन लोगों ने, पर वो इतनी 2009 में शायद उनको पता नहीं था कि एंड्रॉइड 2020 में ये रंग लाएगा, 2021 में, समझ में आ रहा है क्या? वेन इट वॉज एक्वायर इट वॉज वेरी स्मॉल, इट हैज बिकम सो बिग। व्हाट्सएप को एक्वायर किया फेसबुक ने, लोगों ने इतना बजाया ना मार्क्स, व्हाट्सएप को एक्वायर किया फेसबुक का मार्केट शेयर डाउन। क्यों? बिकॉज द कंपनी वॉज एक्वायर एट द कॉस्ट ऑफ $19 बिलियन। इसका मतलब कितना? $19 बिलियन किसको बोलते भाई? यानी कि 7,000 करोड़ का 1 बिलियन होता, 1,25,000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी। लोगों ने बोला इतना छोटा सा एप्लीकेशन, जब व्हाट्सएप के ऊपर काम करने लोग सिर्फ 45 थे, ओनली 45 पीपल यूज टू वर्क। छोटे से लोग थे भाई, याहू में काम करते थे वो लोग। कौन? व्हाट्सएप के ओनर्स। तो व्हाट्सएप के ओनर गए फेसबुक से बात करने के लिए। मालूम उनका स्टोरी क्या था? अरे यार बहुत सारी चीजें एक साथ बोलना पड़ रही मुझे, मैं एक एक चीज बताता हूं आपको। पहले तो व्हाट्सएप का खत्म करते, स्ट्रैटेजी देखिए जरा। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि एक स्ट्रैटेजी जो आपकी जिंदगी, देखो आज अगर व्हाट्सएप, आज मार्क जकरबर्ग सोशल मीडिया का किंग है, फेसबुक उसके पास, व्हाट्सएप का मालिक वो, इंस्टाग्राम उसके पास। अरे जो लोग ज्यादा आपके मोबाइल का सबसे ज्यादा यूजर टाइम बताओ, यूज टाइम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक, पता नहीं कितने लोग यूज करते हैं। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे जाता ही जाता है। आज हर कोई सेलिब्रिटी के पॉपुलरिटी की तुलना लोग ट्विटर से ज्यादा इंस्टाग्राम पे करते हैं। और व्हाट्सएप हैज बिकम एन एसेंशियल कंपोनेंट, सोते भी व्हाट्सएप से, उठते भी व्हाट्सएप से, अपने रिलेटिव से लेकर दोस्तों तक हर कोई इंसान व्हाट्सएप से संबंधित है, उसके वो भी वर्ल्ड वाइड, कहीं आए कहीं गए एप्लीकेशन। कितने सारे सोशल मीडिया के ऐप लोगों ने बनाए, टेलीग्राम आज तक व्हाट्सएप को तोड़ नहीं पाया। आइए देखते हैं सर आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहा हूं मतलब मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं आपको, अब मैं क्या थ्योरी बताऊं आपको स्ट्रैटेजी का? ये तो स्ट्रैटेजी है जिन्होंने उनके ऑब्जेक्टिव को, एक स्ट्रैटेजी 1,50,000 करोड़ लगा दिया, देखो कहां पहुंच गया। आज रिलायंस कंपनी 20,00,000 करोड़ की पहुंच गई। मार्क जकरबर्ग की कंपनी वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी है भाई। ये लोगों ने गाली मारे व्हाट्सएप को एक्वायर करते, बोले तो पाहुला है गई इतनी महंगी कंपनी लिया। बोले रुको, बोले तुम शांत रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कंपटीशन को किल कर दिया। अब कोई कंप्यूटर नहीं, उसको समझ रहा था लोग व्हाट्सएप का यूज ज्यादा करें। उसने ये भी देख लिया था अगर वो व्हाट्सएप चलाने दिया तो व्हाट्सएप क्या करेगा, हर मोबाइल पे व्हाट्सएप, लोग इसमें मोबाइल ज्यादा था, फेसबुक वॉज अ लैपटॉप ओरिएंटेड एप्लीकेशन। और ये कैसा था, लोग दिन में फेसबुक को एक बार यूज कर रहे थे और व्हाट्सएप को 50 बार कर रहे थे। तो इसने सोचा यार अगर ये व्हाट्सएप ही अगर मान लो फेसबुक के फीचर्स डाल दिया अपने ऐप में तो अपना फेसबुक ही बंद हो जाएगा। और व्हाट्सएप के यूजर हर रोज मिलियंस ऑफ डाउनलोड हो रहे और फेसबुक को कोई डाउनलोड नहीं। फेसबुक था मतलब, पर व्हाट्सएप का यूज ज्यादा होता है फेसबुक से, मतलब वो मैसेंजर है यार। तो उसने देखा भाई ये वो लोग कुछ भी डील कर रहे हैं। अब वो याहू में काम करते थे, कौन देखो ये व्हाट्सएप के ओनर दिखाता हूं मैं, जैम कॉम कुछ तो, कौन कुछ तो नाम है इसका, व्हाट्सएप ओनर्स। ये देखो किधर गए, देखो जैनकॉम, इस बंदे की कंपनी थी वो। कैसा यार, और मालूम है वो क्या मिला? पैसे तो मिले थे, पर बोले पूरे पैसे मत दो,
हमको शेयर भी दो, टेक लिया उसने फेसबुक का। हाँ, तो जितना होता ना अपने को भी परचेस कंसिडरेशन जो होता है उसमें कुछ कैश लिया, बोले काम करो तुम $13 बिलियन जो है ना वो कैश दे दो, बाकी सब $6 बिलियन का मुझे फेसबुक का दो। अब क्या हुआ, एक्वायर तो कर लिया फेसबुक ने व्हाट्सएप को, और व्हाट्सएप बहुत चलने लगा तो फेसबुक के दाम बहुत बढ़ गए शेयर के। अब ये तो खड़े खड़े पैसे वाला हो ना, मतलब जब भगवान देता है ना, मतलब उसको $19 बिलियन नहीं है, आज के तारीख में $25 बिलियन, क्योंकि वो शेयर्स के नाम ही बढ़ गए। ये है जैनकॉम, ही यूज टू वर्क इन याहू, ही लेफ्ट याहू कंपनी, फिर उन्होंने बोला यार अपना कुछ ऐप बनाते, तो उन्होंने व्हाट्सएप बनाया, पर वो ऐप बनाने से पहले फेसबुक के पास गए थे, हमको जॉब दे दो, तो इनको जॉब नहीं मिला था। फेसबुक ने भगा दिया उसका, बोले साले तू याहू का नहीं हो सका, हमारा क्या होगा। फिर उसने लिया अकेले में, ही यूज टू वर्क इन अ रेस्टोरेंट, ये बंदा रेस्टोरेंट में काम किया करता था। तो मार्क ज़करबर्ग इतने बड़े आदमी को उसने उस रेस्टोरेंट पे बुला था डील करने के लिए, बोले इधर ही आना, बोले घर कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं बैठूंगा, यही रेस्टोरेंट पे यहां पे चाय पीते पीते अपन डील करेंगे। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डील एक छोटे से रेस्टोरेंट जहां पे काम किया करता था, बोले ऐसे इधर नहीं होगा, तेरे कॉर्पोरेट ऑफिस में कौन बैठेगा, तू तो वहां कुछ भी बोलेगी, यहां पे है मेरे जमीन पर, ये अपना इलाका है, हाँ तो इधर आ, तो अभी अपने रेस्टोरेंट में आना इधर। ऐसा मार्क ज़करबर्ग कौन, उसको छोटे रेस्टोरेंट में बुलाया तुमने, कौन है वो, मतलब अपन मार्क ज़करबर्ग को इतनी इज्जत दे रहे, सोचो यूएसए का मतलब वो कौन है वो, तो उसका हवा वो उसको वहां पर बुलाया, उसने एक्वायर करा उसको, कीमत तू बोल, बोले चल मेरे को तुझे लेना है बस, पर इसको डायरेक्टर बनाया उसके अंदर, व्हाट्सएप यही संभालता आज, मैनेजमेंट में इसको रखा है, बोले मेरे को ज्यादा दिमाग, देखो तू भी आ जा, तेरी कंपनी भी आ जा, तेको तो मैं इक्विटी दे रहा हूं ना, देखो सैलरी ले तू काम करे, बोले मैं ले रहे क्या पैसे लेने के, तेरे को क्या चिंदीरी कर रहा तू, तू व्हाट्सएप दे, तू आ बोला इधर, क्योंकि ये है विजन वाला काम। एक जो फेसबुक ने देखा था, मतलब उसने देखा था जब वो 2016-17 में एक्वायर किया था उसको, मैं देखता हूं यहां पे बताता हूं, किसने नहीं बेचना चाहता, नहीं ना भाई फायदा हुआ ना, इज स्टिल द इक्विटी पार्टनर ना भाई, व्हाट्सएप वाले को भी डरता ना अगर वो नहीं करता तो, फेसबुक वाला कुछ ना कुछ तो लाता ना अपना व्हाट्सएप जैसा, तो ही वांटेड। अरे एक आदमी जो जॉब कर रहा था भाई, 45 लोग एम्प्लॉय, 45 इंग्लिश बोलते, बहुत छोटा इतना ऑफिस बस हो गया उसको, और कुछ नहीं ज्यादा कुछ नहीं, वो भी क्लाउड पे चल रहा है, तो उसको भी पता था ये इतना कौन पैसा देगा बाद में मुझे। कहां पे हूं मैं, इसमें से कोई इंस्टाग्राम का सही नहीं क्या, ये ये वाला है क्या, ये स्ट्रैटेजी है भाई, अगर ये स्ट्रैटेजी वो नहीं करता ना, अरे हाँ ना भाई क्या है ये, इसके अलग मरमर चल रही। देखो 2013 में केवल $1 बिलियन का था इंस्टाग्राम, आज इंस्टाग्राम को अलग से आईपीओ लाने दो, जैसा जियो का अलग से आईपीओ लाने वाला है रिलायंस, वैसे इंस्टाग्राम को आईपीओ आया तो चले जाएंगे, अरे तुम जोमेटो में पैसे डाल रहे हैं, तुम इंस्टा में नहीं डालेंगे, फेसबुक बोलेंगे मेरे को इसको डीमर्ज करना है, इसको अलग से सब्सिडियरी बना था मैं, इसका अलग आईपीओ होगा, इसका ग्रोथ स्ट्रेटजी अलग है, करेंगे तो क्यों नहीं करेगा, जब रिलायंस जियो करेगा तो ये क्यों नहीं करेगा, ये तो हर एक बच्चे की कंपनी बनाएगा ये, देखो कितने में $1 बिलियन भे 2013 में, इसको बोलते दूरदृष्टि, 2013 में कुछ नहीं था, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स उन्होंने ऐड करे, क्या यूआई बनाया, छोड़ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, पर उसमें आप देखते आज इंस्टाग्राम पे क्या नहीं है रे, रील से लेकर सारी चीजें, स्टोरी रील दुनिया की चीजें, हाँ रॉ उठाए, पर उसने बराबर उठा लिया उसको,
क्योंकि वो अगर ऊपर आता ना इसको दर्द देता हुआ, तो जिन्होंने जिन्होंने दर्द देना था उसको, उसको सब लिया पे इंस्टाग्राम इसका व्हाट्सएप का नाम नहीं लिखा रहा इसने, देखो यहाँ पे 2014 में उठाए व्हाट्सएप को $19 billion, ये $1 billion, 715 million लिखा है अंदाजन वाले बिलियन, 1 billion। चलो ऐसा है भाई, ये सब्जेक्ट में आपको ये सब सीखना है, नहीं तो फिर क्या समझेगा ये सब्जेक्ट। अब चलो मैं आपसे देखता हूं, मुझे हाल ही में एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी है जो मुझे ओला कंपनी से लग रही है। ओला कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च की, अभी होंडा डर रहा उससे, वो होंडा का आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, वो बोलता है यार ये तो थ्रेट क्रिएट कर रहा मेरे लिए। होंडा कंपनी ने जीवन में आज तक कभी डेट नहीं लिया, वो बोल रहा मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए अब डेट लूंगा, कौन कहता हमको डेट चलता नहीं, फटी पड़ी है गाड़ियां कोई, सब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सस्ते में आ रही, पेट्रोल नहीं लग रहा। ओला ने लॉन्च, देखो ना ये यूट्यूब का वीडियो केवल वो क्रेजी मैन, कम ऑन, कौन है ये ओला, ओला का ईवी देखो यार उसका, ये देखो इंट्रोड्यूसिंग ओला स्कूटर, क्या है क्या बना रहा है, ऐसी गाड़ी है चमचमाती गाड़ी, देखो जरा ये तो 20 मिनट का है, ये 7 मिनट का है फर्स्ट लुक, देखो जरा। ओला कंपनी का ये गेम प्लान है आईपीओ के पहले का, इसको बोलते स्ट्रैटेजी। ओला कंपनी का तुमको देखना है, अब देखो कैसा आईपीओ आता उसका, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लाएगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रोड पर दौड़ाएगा, ऐसा मार्केटिंग में कैश बर्न करेगा ना, अभी और प्राइवेट इक्विटी लेगा, फिर ओला की एड चलेंगे, होर्डिंग्स लगेंगे, टीवी पे आएगा, यूट्यूब पे आएगा, सोशल मीडिया पे पूरा ओला ओला ईवी चलेगा, गांव गांव में डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगा, समझा क्या होगा, फिर ओला चलेंगी बहुत, फिर ओला कार में तो चली रही, बाइक में चलेगी, फिर लाएगा आईपीओ, टैन टैन आप बोलेंगे सालों लगाओ पैसे, जोमैटो जोमैटो का रिकॉर्ड तोड़ता मैं, कौन है मैं, ओला है, तुमने जोमैटो को इतना वैल्यूएशन दिया, मैं कौन बे, मैं होंडा को बजा रहा हूं, होंडा वाले शेयर लेंगे इसका। स्ट्रैटेजी से कम ऑन, दिस इज द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की गरिमा, सब्जेक्ट का चैलेंज है, बोल रहा ना बहुत ऑसम सब्जेक्ट है। क्या कर रहे हैं लोग, अपने विजन को पाने के लिए हम लोग जो जो स्ट्रैटेजी जो जो कुछ करते हैं उसको स्ट्रैटेजी कहते हैं। हो सकता है कुछ स्ट्रैटेजी नैनो जैसी हो जाए, पर कुछ स्ट्रैटेजी जो होती है आपको जियो बना दे, कुछ स्ट्रैटेजी आपको इंस्टाग्राम फेसबुक बना दे। आइए देखिए, Introducing India's first ever shoe made with 100% recycled plastic bottle. Skyrocket even further. Here are the top things to know about the new Ola electric scooter. Ola electric has hit it out of the park with the specifications of the scooter. Available in two trims, S1 and S1 Pro, Ola claims to have designed an electric motor with a peak output of 8.5 kilowatts. For comparison's sake, the Ather 450X, which is the current performance king in the e-scooter segment, has an electric motor with a peak output of 6 kilowatts. While both variants of the Ola electric scooter have the same motor, the जंगल में कोपचे में यूनिट डाला उसने, एकदम इको फ्रेंडली बनाया, नीचे की पेड़ भी नहीं काटे, नीचे की पेड़ वैसे ही ऊपर फैक्ट्री चल रहा है, ऐसा कुछ बताया उसने, इको प्लांट है उसका। हेलो, अब होंडा को बीपी आया होगा कि नहीं होगा, होंडा बेचारा पूरा मार्केट कैप उसका 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा, कब से होंडा चल रही उसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से नहीं, जिस दिन ओला का आएगा ना देख लेना, ओला 1 साल के अंदर देखो अपना आईपीओ देगा, अभी पेटीएम लाएगा उसके बाद में ये देगा, और वो सबसे सबसे बड़ा हिट रहेगा, अभी से देखना ओवर सब्सक्राइब का ओवर सब्सक्राइब होगा वो, ठीक है। ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टू व्हीलर, ये समझ रहा अंदाजा समझ रहे, ये प्राइवेट इक्विटी सिखवाने बोलूंगा और पैसे ले दाल टू व्हीलर, और मैं एग्जिट लेना चाहता हूं, पर मैं एग्जिट सस्ते में नहीं छोड़ूंगा, सॉफ्ट बैंक बोलेंगे और पैसा चाहिए और ले ओला लाल कंपनी डाल, कितने पैसे चाहिए और लेते मेरे से, वो क्या करे ऐसी कंपनी डालेंगे,
अब ओला को अब क्या है, सिक्वाया को निकलना है बाहर, सॉफ्ट बैंक को बाहर निकलना है। वो कैसे निकलेंगे? वो बोलेंगे आईपीओ में जितने वाले ना 5% मेरा बेच दे यार। अब अपना स्टेक बचेगा ना कौन? सॉफ्ट बैंक को, मतलब नहीं सॉफ्ट बैंक को तो अपने लगाए पैसे डबल करना है, 4 times करना है। वो क्या बोलेंगे आईपीओ जिस दिन लाएंगे ना मेरा माल भी कर देना उसमें 5%। वो आईपीओ क्या रेट पाएंगा, उसको क्या पैसे मिलेंगे? ये 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 दिखावा जब चलेगा ना मार्केट में, देखो अभी पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम बात करते हैं फोक्सवैगन में, वैसा लगाएंगे ऐसे कंपनी में, वैसे नहीं लगाएंगे भाई। तूने जोमेटो का शेयर लेता, लेगा कि इसका लेंगे ना? डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि इसका इसका फ्यूचर दिख रहा है ना। इनके बुद्धिमान लोग बैठे हैं ना, सॉफ्ट बैंक के ओनर बैठे हैं, बेस्ट लाना। पीछे वाले ने एकदम जो सबसे एडवांस्ड है वो लाना। बोले पैसे, अबे तुझे पैसे चाहिए ना? कौन है मैं? सॉफ्ट बैंक है भाई, तुझे पैसे चाहिए क्या? ये दे रहे उसको $10 billion, पैसे चाहिए ना? पर एक नंबर बनाना, मेरे 10 के मैं 50 बनाऊंगा, तू टेंशन मत ले। तू बस बता ये दिखाना, ये वीडियो क्यों बनाया? क्यों बना आप जरा बेवकूफ हो क्या? काय को वीडियो बना रहा है? इससे बता के तो होंडा वाले भी आकर्षित हो रहे होंगे। होंडा पर उसको होंडा से डर नहीं, उसको ये चाहिए कि पब्लिक ने देखना, क्योंकि मेरा आईपीओ आएगा, तुम देख लो मैं क्या कर रहा, समझे? क्या लिखा है? 1 crore गाड़ियां बेचेंगे वो, अब इंडिया में बेचेंगे। इनके सारे इन्वेस्टर फिरंगी है, उधर भी एक्सपोर्ट कराएंगे उससे। सॉफ्ट बैंक बोलेंगे मैं जापान में एक्सपोर्ट करूं, मैं बात करता हूं, मेरी कंपनी एक नाम है जापान में जो व्यवस्था है। ए भाई टाइप कर चलो बोला से। दीदी बोलेगी चाइना में बैठी हूं, ए वो चाइना की कंपनी, उसको बोलो इनसे बाय करे, डील में बिठाती हूं। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? इनका इनके गेम प्लान देखो कैसे होते। इसलिए छोटा आदमी छोटा ही रहेगा, बड़े आदमी इतने बड़े बन जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कितने बड़े बन गए। पूरा ये है स्ट्रेटजीज, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? समझे कि नहीं समझे? अब जरा आगे देखो, अब बात करेंगे बायजूस की स्ट्रैटेजीज। आकाश को एक्वायर किया $1 billion, क्या कर रहा है? क्यों एक्वायर कर रहा है? वापस वही गेम प्लान है, कुछ नहीं चाहिए। वांट टू किल एवरीथिंग, इधर एक नंबर भी मैं, दो भी मैं, तीन भी मैं, 4, 5, 6, 7 में, 9, 10 भी किसको आना, थोड़ा बहुत लेके जाओ। बहुत ही जल्दी मैं HSC SSC को भी खरीद लेता, गवर्नमेंट को ऑफर देगा, भाई मोदी जी काम करो, HSC SSC मैं चला लेता। कितना सब मैं कर रहा हूं ना इंडिया में, IIT मेरा, ये मेरा, वो मेरा, सब कौन है मैं? और मार्केटिंग करना है, मार्केटिंग सारी देखे। ए IPL में कितने पैसे लगाने के रे? अच्छा इंडियन क्रिकेट में पैसे लगाने के? पूछो इंडियन क्रिकेट को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करो, क्यों? पागल है, बेवकूफ है। 1300 crore का कॉन्ट्रैक्ट है भाई क्रिकेट टीम के साथ में, किसको बोलते हैं पैसे? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ये। बायजूस 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 हर मैच में हाईलाइट होगा ना तो आपके दिमाग में छपेगा, यहाँ पे शाहरुख खान को लाया, स्ट्रैटेजी है। देखो ना बायजूस का आपको देता क्रिकेट टीम के साथ में। बायजूस, लुक एट द स्ट्रैटेजीज, बायजूस क्रिकेट। देखो क्या लिखा है, ये इट टेक साइन द रेंज ऑफ टू बिकम ग्लोबल पार्टनर विद व्हाट, ये लिखा है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ऑफ अमेरिका लिखा है। देखो आफ्टर बिकमिंग द इंडियन क्रिकेट टीम्स ऑफिशियल स्पॉन्सर, इट टेक हैज नाउ साइन द डील टू बिकम ग्लोबल पार्टनर। ये ग्लोबल पार्टनर का है, ठीक है ना, ये अलग बात है। पर वो जो मेन डील है उनकी वो कितने की दे रहा, देखो एनुअल रिटर्न 350 to 450 crore बोल रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ऊपर ईयर का होगा, ये क्या है रे? इंडियन क्रिकेट टीम न्यू स्पॉन्सर 2019 की बात है। अब जरा देखो कितने में हो गए, अब बोल रहा है 2019 से लेके 2022 तक उनकी इंडिया के जब भी टी शर्ट रहेंगे मैच पे बायजूस लिखाएगा। अब जरा देखो पहले क्या था, वो विल बी ऑब्लिगेशन टू करंट टीम स्पॉन्सर ओप्पो था पहले, ठीक है ना। कितने में लिया, क्या लिखा है,
वीवो का था पहले 768 करोड़, ओप्पो वन द इंडियन टीम जर्सी राइट्स 5 ईयर्स पीरियड आफ्टर द, ये था 768 था उनका पहले, ओप्पो वॉज पेइंग दिस 4.16 करोड़ फॉर बायलेटरल, ठीक है ये कितने में गया डील वो देखना था मुझे, ये बहुत बड़ा डील था ये तो, पहले उसके पहले 768 का था, अभी तो ऑब्वियसली ये तो वो बोल रहे ना मैं इतने लगा था वो बोल रहे उतना लगा था, बिडिंग हुआ होगा, बहुत बड़ा बिडिंग था, मैंने जितना सुना था 1300 करोड़ का डीलिंग था। एनीवेज क्या भाई इतने पैसे क्यों लगा रहे आप, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है लोगों के दिमाग में जुबान पे भर दो बायजूस, इट शुड नॉट बी। अभी बताओ नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ दिया उन्होंने, चोपड़ा जी नीरज चोपड़ा बराबर बोल रहा है वो गोल्ड मेडलिस्ट, बायजूस बोला 2 करोड़ मेरी तरफ से, क्यों क्या इतना अचानक से इसमें अचानक से भावना है उसके देश की भावना जाग उठी इतना देश प्रेम भाई, अभी 2 करोड़ देंगे तो हर मीडिया में कवर हुआ ना 2 करोड़ 2 करोड़, किसने भी दिया नहीं, कोई भी प्राइवेट एंटिटी ने 2 करोड़ नहीं दी, गवर्नमेंट नहीं दे रही 2 करोड़, क्या चाहते हो आप, क्यों 1 करोड़ से क्यों नहीं कम दिए, 10 लाख क्यों नहीं दिए, अरे यहां तुम समझ रहे बात 2 करोड़ की नहीं है, बात नीरज चोपड़ा की नहीं, बात आत्म भारत की भी नहीं है, बात मेरी भाई जो उसकी मेरा नाम सबसे ऊपर लो, किसने सबसे, अरे गवर्नमेंट बाकी 1 करोड़ दे रही, 2 करोड़ कौन है 2 करोड़ क्यों, मार्केटिंग है बॉस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी, कम ऑन दिस इज स्ट्रेटजी। बाबा रामदेव की स्ट्रेटजी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते, बाबा रामदेव ने जो टर्नओवर हासिल किया इट इज मोर देन 20,000 करोड़। आज कोलगेट का सीईओ का एक स्टेटमेंट था कि मुझे इंडिया में सबसे ज्यादा डर किसी टूथपेस्ट में लगता है तो वो सिर्फ बाबा रामदेव के पंत क्या वो दंत क्रांति का लगता है, दंत क्रांति जो है बाबा के लोग फॉलोअर नहीं है भक्ति, वो बाबा की मार्केटिंग जब लोग सोते ना तब चालू हो जाते, वो भी फोकट में, बाबा अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर, उसको ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं लगता, वो खुद ही जो बाबा के बारे में अगर आप किसको बोलोगे ना लोग सुनते नहीं है, किसके पास बोलना मतलब पतंजलि भाई जाते मारते आपको भाई, देखो एक फॉलोअर अलग होते एक भक्त अलग होते, बाबा के फॉलोअर नहीं है वो बाबा के बारे में एक लाइन नहीं सुन सकते हो, तुम एक काम करो पतंजलि का जो भक्त है उसको बोलना क्या प्रोडक्ट बेचता बाबा मार्केटिंग करता, उठा के मारता आपको, मेरे पापा बहुत बड़े भक्त हमने कभी कोई मेरे पापा क्या कहते पूरा सब प्रोडक्ट लेके आते पतंजलि के मार्केट से, दंत कांति मेरे यहाँ पे सोप उनका हैंड वॉश उनका सब उनके प्रोडक्ट है, उनके दुकान में जो जो मिलता हमको लगे नहीं लगे वो भी लगे, बिस्कुट भी खाते हैं उनके पतंजलि के बिस्कुट, बोले यही खाना पड़ेगा मतलब बोले यही अच्छा है ठीक है यही आयुर्वेदिक है हर्बल है दुनिया, बाबा ने जो मार्केटिंग किया है ना वो 3 चीजों पर, एक बाबा ने भक्त बनाए और लोगों को लगता है बाबा ने जो काम किया है वो अभी से नहीं किया, बाबा ये जो काम कर रहे हैं 1998 से बाबा का प्रचार चालू, हर गांव में हर जगह पे जाके ये जो बाबा लेते हैं ना क्या बोलते हैं उसको शिबिर जो बोलते हैं बाबा इधर 3 दिन का शिविर कैंप जो बोलते हैं, अरे इट इज बाबा की मेहनत है उसमें, बाबा ने पहले अपना नेटवर्क बनाया फिर पतंजलि का जो जितने अभी तक ना पतंजलि के स्टोर इंडिया में कितना नेटवर्क है बाबा का, एचयूएल के बाद में कोई नेटवर्क अगर मान लो होगा इंडिया में तो बाबा रामदेव का नेटवर्क है, आजकल पतंजलि के मेगा स्टोर खुल गए, पतंजलि का स्टोर है बाबा के पास में 1-2 प्रोडक्ट नहीं भाई 850 प्रोडक्ट है बाबा के पास में, बाबा का स्ट्रेटेजी तुम बोलो वो प्रोडक्ट मिलता क्या नहीं है, बाबा का आटा तो कहता बाबा का आटा बाबा का घी बाबा का सब आ रहा है आजकल, बाबा की स्ट्रेटेजी बताया कोई बताया मुझे बाबा ने कैसे इतना अचीव किया, सबसे पहले बाबा ने प्रमोट किया अपने आप को कि मैं स्वदेशी हूं, जैसे बहुत लोग होते हैं ना अब जैसे चाइना के एंटी चाइना जो होंगे तो ये सब बाबा के भक्त बन जाते हैं, दूसरी बात बताए कोई, पतंजलि का 20,000 करोड़ का टर्नओवर, तुम्हें मजाक लगती 20,000 करोड़ किसको बोलते हैं टर्नओवर इंडिया में, वो भी एक साधु आदमी को, अरे अच्छे अच्छे वो बैद्यनाथ अगर वो मर गए वो बैद्यनाथ समझे लाल मंजन बैद्यनाथ सुना कोई वो आयुर्वेदिक हमने बैद्यनाथ वो अरे कुछ नहीं बचा इनका वो वीको वज्रदंती और क्या क्या सुना होगा, अरे बाबा बोलते ये सब खत्म करो और मैं कौन हूं पे, बाबा अपने आप में 100 MBA है वो, बाबा के पास काम करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हंड्रेड्स ऑफ MBA IIMs के लोग बैठे बाबा के पास, तो बाबा का ग्रोथ स्ट्रेटेजी आप बताएंगे कोई ऐसी चीज है जो बाबा को आगे ले जा रही है, एक तो वह स्वदेशी एक तो वह हर्बल मतलब उसकी प्रोडक्ट जो है ना उससे साइड इफेक्ट नहीं होंगे और तीसरी बार बताओगे यानी ये प्रोडक्ट यूनिक है उसका, अभी एचयूएल के प्रोडक्ट इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, मतलब वो वहां पे साइड इफेक्ट हो सकते हैं यहां पे साइड इफेक्ट नहीं है, और बताइए बाबा का नेटवर्क, और एक चीज है बाबा के प्रोडक्ट का सस्तापन,
सस्ता है ना भाई, तुम कोलगेट का प्राइस दे लो, इनका प्राइस दे लो, यू विल फाइंड ह्यूज डिफरेंस। इनकी सोप ले लो, मतलब सस्ता भी है, हर्बल भी है, स्वदेशी भी है। मतलब बाबा ने जो काम किया ना, बोलो क्या हुआ, ये बाबा का स्ट्रेटजी है, बोलो यार। तो बाबा ने क्या स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी बाबा को जो आ गई, तो समझा स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, क्या स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी का मतलब क्या है। स्ट्रेटजी इज देयर टू अचीव द विजन। आप विजन एक बार लग, विजन है कि वक्ष कहां, आप कहां पे आपको जाना है, वो विजन होता है। और उस विजन को बाबा को नंबर वन बनना है एफएमसीजी में, तो बाबा ने उसके लिए क्या किया, स्वदेशी लॉन्च किया, हर्बल लॉन्च, यानी कि पूरा साइड इफेक्ट नहीं, और सस्ता और नेटवर्क बना, ये बाबा का स्ट्रेटजी है। तो हर एक कंपनी अलग, पर एप्पल का स्ट्रेटजी उल्टा है। एप्पल बोलता है ये स्ट्रेटजी नहीं, मुझे कोई गरीब वाला प्रोडक्ट नहीं बनाना है, मुझे कोई सस्ता नहीं बनाना है, मुझे कोई देसी विदेशी कुछ नहीं, मेरा प्रोडक्ट है प्रीमियम प्रोडक्ट, जिसको पत्ता लो नहीं तो भागो यार, और वो भी यही रेंज पे बिकेगा, मैं सबसे महंगा बेचूंगा, मुझे ऐसे सस्ता सस्ता बोलने का नहीं, और मेरे को सब लोगों को बेचना भी नहीं है। ये वर्ल्ड के 10% लोग भी लेंगे ना, तो मैं उसमें कुछ हूं, मैं 10,000 का प्रोडक्ट नहीं बेचता, मैं 1,00,000 का बेचूंगा, जिसको पत्ता लो ना, इतना ही पत्ता तुम, अब तुम सिर्फ सोचो कि तुम्हें एप्पल लेना है, तुम लो मत। दोनों के अलग है, बाबा राम तो अलग लाइन पे चल रहा है, पतंजलि क्या बोलते हैं, एप्पल अलग, दोनों का स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं कि कौन अच्छा कौन खराब, ये बात नहीं चल रही। चाइना फोन की स्ट्रैटेजी अलग है, एप्पल की अलग है। एक सस्ता बेच के अट्रैक कर, एमआई फोन सस्ता बेच के अट्रैक कर रहा है, एप्पल अलग दे के अट्रैक कर रहा है, दोनों की। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्ट्रैटेजी आपको आपको चलाना है। अरे बोलो यार, तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, आई होप आपको स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। हाँ, सारी बातें क्लियर, लगाओ चिट्ठियां और एक 5 मिनट के हम लोग सारी बातें लिखते हैं। आज की क्लास, आने वाले 3 क्लासेस हम लोग YouTube पर ही चलाएंगे, कल परसों और उसके बाद में 3 क्लासेस हम लोग YouTube पर चलाएंगे, उसके बाद में हम लोग कहां चलाएंगे, ये लाइव स्ट्रीमिंग चलता रहेगा, है ना, एसपीसी प्लेयर पे। ओके, चलो लिखेंगे स्ट्रैटेजी अपने बुक में, देखेंगे स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है। इधर देखो क्या लिखा है, पहले बोलते थे स्ट्रैटेजी हमेशा वॉर के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते थे, वॉर, ताकि हम लोग उस युद्ध में जीते। द एप्लीकेशन ऑफ दिस टर्म इज नॉट मच डिफरेंट, बिजनेस हैव टू रिस्पॉन्ड टू द डायनामिक एंड ऑफन हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस व्हाइल परस्यूइंग देयर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाना पड़ती है। द वेरी इंजेक्शन ऑफ आइडिया ऑफ स्ट्रैटेजी इन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंटेंडेड टू अनरेवल कॉम्प्लेक्सिटी एंड टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी कॉज बाय द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। जितनी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी आपके एनवायरमेंट का डर आपका कम हो जाएगा। जैसे अभी ओला ने क्या किया, अब देखो होंडा क्या बोल रहा, मैं भी लाता, तो होंडा अगर ईवी लाएगा तो इसका मतलब उसकी अनसर्टेनिटी कम करेगा, अरे बोलो ना। और फेसबुक ने अगर इंस्टाग्राम को एक्वायर किया है तो इसके मतलब उसने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, यानी कि उसकी अनसर्टेनिटी कम की उसने। ओके, स्ट्रैटेजी सीक्स टू रिलेट, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, रिलेट द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द मींस ऑफ, यानी स्ट्रैटेजी इज व्हाट द मींस टू अचीव द, आपके विजन आपके लक्ष्य को पाने के लिए आप जो 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 करते हो। यानी फेसबुक को नंबर 1 सोशल मीडिया बनना था, उसने किसको एक्वायर किया, इंस्टाग्राम, उसने किसको एक्वायर किया, व्हाट्सएप, और वो नंबर 1 बना के नहीं बना, तो क्या हुआ, एक्विजिशन ऑफ इंस्टाग्राम, एक्विजिशन ऑफ व्हाट्सएप हैज बिकम द स्ट्रेटजी। बाबा रामदेव को आयुर्वेद ने नंबर 1 बना था, बाबा ने सस्ता लाया, नेटवर्क बढ़ाया, ये क्या किया, हर्बल लाया, ये बाबा का स्ट्रेटजी है, अरे बोलो ना। उसके बाद में तीसरी बात, अगर मैं आपको बोलता एग्जांपल, जियो को नंबर 1 टेलीकॉम बनना था, क्या किया, क्या नहीं, सस्ता बेचा, ये 4G के उतना सब कुछ लाया, समझ में आ रहा है, नेटवर्क अच्छा दिया, स्पीड अच्छा दिया। तो ये हर एक कंपनी का अलग टाइप का स्ट्रेटेजी होता है। तो जरा लगा दो चिट्ठी इस बारे में, आप इतना लाइन पढ़ोगे मेरे लिए, टू द एक्सटेंड द टर्म स्ट्रेटेजी इज एसोसिएटेड विद यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन फॉर अचीविंग मेजर गोल्स गेनिंग कमांड ओवर द सिचुएशन विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। क्यों लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, 2014 में इंस्टाग्राम एक्वायर किया तब कुछ फायदा था उसका, 2010 में जियो में रात रात भर जब खड्डों में उन्होंने केबल घुसे तब के बारे में था, उनको 2020 दिख रहा था और हम 2010 को देख रहे थे। तो जब स्ट्रेटेजी इज नॉट मेन फॉर टुडे टुमारो, इट इज मेन फॉर लॉन्ग टर्म। ये आजकल के लिए थोड़ी ना बना रहे यार, हमें तो ये लड़ाई जीतना है। 2009 में जब इसको एक्वायर किया एंड्रॉइड को, तब तब एंड्रॉइड नहीं चल रहा था, 2021 के लिए एंड्रॉइड एक्वायर किया जा रहा था। तो व्हेन यू मेक स्ट्रेटजी ऑब्वियसली यू वांट टू अचीव द गोल, बट इन द लॉन्ग टर्म यू वांट टू सस्टेन योरसेल्फ। सिक्योरिंग क्रिटिकलिटी, देखा, सिक्योरिंग क्रिटिकल एडवांटेज, मतलब कि आप अपने आप को एक सिक्योर पोजीशन पे लाना चाहते हो कि मुझे कोई हिलाए नहीं कहीं, अरे बोलो सही ना,
मुझे कोई ऐसा नहीं तो कोई भी हवा का झोंका आके मेरी कंपनी बंद, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाता था कि मैं अपने लक्ष्य को अच्छी कर सकूं और मेरी पोजीशन कायम रख सकूं। Hey guys, come on. लिखेंगे आप, इट इज देयर टू लिखो, स्ट्रेटेजी विल फुलफिल द गैप बिटवीन, स्ट्रेटेजी विल फुलफिल द गैप बिटवीन, विल फुलफिल द गैप बिटवीन, बोलो बच्चों क्या, वट वी आर एंड वट वी वॉन्ट टू बी, वट वी आर एंड वॉट वी वॉन्ट टू बी, वी वॉन्ट टू बी, यानी हम लोग आज कहां है और हमें कहां जाना है। अगर मान लीजिए मैं आज रैंक नंबर 2 पे हूं और मुझे 1 पे जाना है और मैं रैनबैक्सी को एक्वायर कर रहा हूं, तो मतलब रैनबैक्सी को एक्वायर करने से मैं 1 नंबर पे पहुंच गया। तो ये स्ट्रेटेजी इज देयर टू फुलफिल द गैप बिटवीन व्हाट वी आर व्हाट वी वांट टू बी। लिखो नंबर 2, इट इज द यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन फॉर अचीविंग मेजर गोल्स, इट इज द यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन फॉर अचीविंग मेजर गोल्स कॉमा विजन। Achieving major goals and what? Vision. इससे क्या आपको लगता है आपका लॉन्ग टर्म में यू विल बी एबल टू सिक्योर योर सेल्फ? लिखो, इट हेल्प्स यू टू गेट एडवांटेजेस पोजिशन। इससे आपको कॉम्पिटिशन में आपको एडवांटेज मिलेगा, helps you to get advantageous position it is developed from the long range perspective। ye koi ek do din ke liye, aaj main instagram ko hack karunga kal fayda hoga aisa nahi hoga, main aaj gaddon mein cable dalunga aaj 2011 mein fayda hoga, ye niti mat nahi, ye kya likha aapko, it is फ्रॉम द लॉन्ग रेंज परस्पेक्टिव, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। एग्जाम्पल लिखो अभी, एग्जाम्पल अब मैंने कितने 10 एग्जाम्पल दिए होंगे, दो चार लिखे, लो जियो डैश, जियो के दो स्ट्रेटेजी बताओ, लो प्राइस, एंड वाइड रेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का तो लोगों को ऑप्शन ही नहीं बचना। नेक्स्ट फेसबुक, फेसबुक की दो स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिशन किलिंग कर दिया, खत्म हो गया, कॉम्पिटिशन बचेगा नहीं। एक्विजिशन ऑफ किसको, एक्विजिशन ऑफ व्हाट्सएप एंड इंस्टा, व्हाट्सएप चलने लगा, फिर बाद में फेसबुक का कितना शेयर प्राइस बढ़ गया, पहले कम हुआ बाद में और बढ़ा। नेक्स्ट नंबर 3, अभी तो उसको अप्रिशिएट कर रहे। नंबर 3 बात, पतंजलि, पतंजलि की स्ट्रेटेजी बताओ, हर्बल लो प्राइस, ह्यूज नेटवर्क, बाबा के नेटवर्क नहीं भक्त सारे हो, वो उनके दुकान में बाबा का फोटो लगता है, उसको पूजा करते हो, ऐसा नहीं पूजा वूजा करते दुकान खोलने के बाद में फिर दुकान चालू करते हो, मतलब अलग ही लेवल है, मतलब वो ऐसा एचओएल के ओनर का कभी कोई पूजा नहीं कर रहे, बोले जा रहे भाई कौन है तू, हाँ बाबा के बोलो, बाबा के लिए कर रहे हो, वो अलग लेवल है वो, पर वो कोई ऐसे लोगों का कोई कॉम्पिटिशन नहीं, अलग लेवल क्रिएट करते। नेक्स्ट ओला लॉन्चिंग ऑफ व्हाट, क्या ओला लॉन्चिंग ऑफ ईवी, जैसे दुनिया बदली अपन ने अपने आप को बदल दिया, ईवी को लॉन्च कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। नेक्स्ट सन फार्मा, एक्विजिशन ऑफ रैनबैक्सी और नंबर 1 बन गया आप। क्रिकेट का हर कोई, क्रिकेट का एग्जांपल नहीं लिखेंगे, पर क्रिकेट के मैच में जो भी चलता है फुटबॉल के, ये सब कोई चीज क्या होती है, तो स्ट्रैटेजी किसके लिए बनाते, जीतने के लिए हारने के लिए, वो बात और है, कभी कभी स्ट्रैटेजी खराब भी हो जाती है, जैसे एग्जांपल टाटा नैनो खराब हो गए ना, नहीं चले। अब इधर देखना,
एक बात मेरा सवाल आपसे, क्या आप करता नहीं, स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए? जैसे दुनिया बदली आपने डट के, मतलब ऐसा ही अड़के मत बैठो, मैं ऐसे ही रहूंगा, कभी आपको लगा तो दुनिया के हिसाब से आपको चेंज भी करना पड़ेगा। इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ, है ना। और एक एक मैं आपको सवाल पूछूंगा, क्या स्ट्रेटेजी सच में मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट है? मतलब स्ट्रेटेजी अच्छी लगा तो मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं, स्ट्रेटेजी है क्या फिर भी मुकेश अंबानी की जरूरत है? सवाल है, अगर स्ट्रेटेजी अच्छी है तो क्या फिर भी बाबा रामदेव की जरूरत है? तो दो बात लिखो स्ट्रेटेजी, अभी एग्जाम्पल खत्म पर अगले लाइन लिखो, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी अगर जरूरत पड़े तो अपने बदलने की क्षमता होना चाहिए। ऑडिट का लेक्चर रिकॉर्डेड है क्या? अकाउंटेंट है क्या अभी? हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे हैं? इट शुड बी फ्लेक्सिबल। और बोलो, ऐसा लिखो आप बताओ मेरा जो है, इट कैन नॉट बी द सब्स्टिट्यूट फॉर द साउंड मैनेजमेंट। मतलब मुकेश अंबानी ने लो प्राइस पे रख दिया जो, इसका मतलब ये नहीं कि मुकेश अंबानी कहीं भी अब फॉरेन टूर पे चल जाएगा सब अच्छा, ऐसा नहीं। मुकेश अंबानी का तो काम उसको करना ही पड़ेगा ना। देखो, स्ट्रैटेजी इज नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर, इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। साउंड एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है ये। एसपीसी पहले ऑफलाइन क्लासेस पे था, अभी लाइव स्ट्रीमिंग पे आ गया, ओटीटी आ गया। ये 2020 का स्ट्रेटेजी है मेरा, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ मेरा? कैसे नहीं करता तो पेनड्राइव तो थी नहीं मेरे पास, पहले भी पेनड्राइव था, गूगल ड्राइव था। तो क्या लाइव स्ट्रीमिंग लाना एक स्ट्रेटेजी थी? क्या वो उससे ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं? एसपीसी को इंडिया में नंबर वन बनने का है, तो क्या लाइव स्ट्रीमिंग से थोड़ा बहुत हम लोग उसके डायरेक्शन में जा रहे हैं? अभी जो लोग सिर्फ पेन ड्राइव गूगल ड्राइव में होगा, बट देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वांट्स टू लर्न ओनली। अब जैसे आप जैसे सारे लोग जितना भी देख रहे हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग है इसलिए उनको मजा भी आ रहा है, उनको लगता है साथ साथ में खत्म हो जाएगा। नहीं तो पेन ड्राइव गूगल ड्राइव हो सकता है, अभी कुछ लोग का जो डिसिप्लिन नहीं होगा जल्दी से नहीं हो पाएंगे, वो टाइम पे खत्म नहीं कर, अभी कैसे आपको झकमार के रोज बैठना ही है, तो आपको लगता नहीं एक कामयाब स्ट्रेटेजी है? तो वैसे है तो एक, अब एक सवाल है, क्या स्ट्रेटेजी कौन से लेवल पे बनती है? तीन लेवल पे बनती है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल। टॉप मतलब बहुत बड़े बड़े काम, जैसे मुकेश अंबानी बोल रहा है जियो केबल लॉन्च कर देंगे, ओला बोल रहा है कि ईवी लॉन्च, ये कैसे एकदम टॉप लेवल? पर बॉटम लेवल की स्ट्रेटेजी कैसी होती है? जैसे कितने शिफ्ट में काम करना है, दो शिफ्ट में काम करना है कि तीन शिफ्ट में करना है, ये बॉटम लेवल की स्ट्रेटेजी। मतलब स्ट्रेटेजी तो स्ट्रेटेजी है, दिवाली के दिनों में कितने दिन की छुट्टियां लेना है, चार दिन की, आठ दिन की, एकदम वो एकदम वैसा नहीं। टॉप लेवल मतलब लॉन्च करना कि नहीं करना, इसको एक्वायर करो, ये बात टॉप लेवल। बॉटम लेवल कैसा, कितने लोगों को रिक्रूट करना है, 20 करना है, 30, अच्छा कितने सीए चाहिए उसमें, ओके अच्छा कितने लोग कैसे चाहिए इंजीनियर, ये क्या एकदम बॉटम, क्या एकदम रूट लेवल पे। ये जो इन्वर्टर लाया है, जनरेटर लाया है, कितने कैपेसिटी का चाहिए, अच्छा ये कम निकले कि वो कम निकले, ये सब बॉटम लेवल का स्ट्रैटेजी है। समझ में आ रहा है? वो तो मतलब स्ट्रैटेजी कैन बी एट द टॉप लेवल, पर हम लोग जब एग्जांपल देखते तो बड़े बड़े एग्जांपल लेता कि उसका फील आए। अब मैं आपको बोलूंगा ये चिंदी एग्जांपल, अभी 10 एम्प्लॉय का हायर करे कि 50 करे, अच्छा एम्प्लॉय से करे कि ऑटोमेटिक मशीन से करे, ये काम जो है इसके लिए सॉफ्टवेयर लगाए कि, मतलब छोटी छोटी बातें हैं ना, तो उसके लिए अभी कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर ईआरपी जैसे तो बोलेंगे कॉर्पोरेट लेवल डिसीजन। तो लिखो, स्ट्रैटेजी इज अ फॉर्मुलेटेड एट टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल, इज अ फॉर्मुलेटेड एट टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल, हर जगह पे स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज अ फॉर्मुलेटेड एट टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड व्हाट, बॉटम लेवल। उसमें एक नीचे एक पॉइंट दिया है 1.03 पे, अभी 5-10 मिनट ले सकता हूं ना यार, और है ना, मैं आनंद सर को बोलूं क्या? फाउंडेशन का लेक्चर कैंसिल किया है सर, अभी क्लास लेने के लिए सर, मंडे ना ऑडिट।
अनंत सर को बुलाओ, विल टेक 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। चलो ठीक है। अब क्या होता है ना, स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव होती है, स्ट्रेटेजी रिएक्टिव भी होती है। प्रोएक्टिव मतलब समझता है, गलत घटना गलत घटने से पहले आप सावधान हो जाते हो, इसके पहले लोग बजाए। आप होंडा की जो स्ट्रेटेजी अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की आ रही है, उनकी किसने बजाई नहीं अभी तक, पर वो बजने से पहले वो देख रहा कि अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गया ना तो अपना हीरो होंडा बंद हो जाएगा, तो तुरंत ही वो क्या करेगा, हीरो होंडा बर्बाद हो गया और बाद में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो रहा, ऐसा हुआ था बोलेंगे वो रिएक्टिव है। प्रोएक्टिव मतलब क्या, चीजें गलत होने से पहले आप सावधान हो गए और आपने वो स्ट्रेटेजी बना दी, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। सुनो समझ में आ रहा है, पर कुछ कुछ लोग रिएक्टिव करते, तब तक बहुत देरी हो जाती। आपके साथ में हादसा हुआ, बाद में यू आर टेकिंग सम एक्शंस, इसको इट इज कॉल्ड एज रिएक्टिव। व्हाट इज मोर बेटर, प्रोएक्टिव, बिफोर यू फेस एनी काइंड ऑफ लॉस यू आर मेकिंग सम प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। जैसे ओला को लॉन्च करके बोलो आगे, ओला ने ईवी को लॉन्च कर दिया, प्रोएक्टिव है, उसके अंदर कुछ गलत नहीं हुआ, उसने लॉन्च किया, उसने भी प्रोएक्टिव किया। पर होंडा क्या बोलता है, मैं भी अभी लॉन्च करता, यानी कि होंडा के साथ में कुछ गलत हुआ नहीं, गलत होने से पहले ही उसने वो प्रेडिक्ट कर लिया गलत हो सकता है। घटना घटने से पहले ही अगर आपने उसका नियोजन वाला स्ट्रेटेजी बना लिया तो आप प्रोएक्टिव कहला जाता, रिएक्टिव से आपकी बैंड बज गई। जैसे एग्जांपल, नैनो नहीं चली, उन्होंने क्या किया, देखो नैनो नहीं चल रही थी, उन्होंने देखो बहुत ट्राई किया, नहीं चला तो नई नैनो, देखो नैनो का नया नैनो ऑसम लाया, देखो नैनो का नया वर्जन लाया, नहीं चल रहा था ये नैनो का नया वर्जन, नैनो नहीं चल रहे थे, बोले अब नहीं चल रही कोई बात, हम चेंज कर दे, नैनो के नए कलर्स लाए, उसके अंदर एसी लाया, पावर स्टीयरिंग लाया, 2.5 लाख की नैनो बनाई। ये क्या रिएक्टिव के प्रोएक्टिव, पहले से लाते हैं, पहले दिन से ऐसे तो होते प्रोएक्टिव, पर नहीं चल रही उसके बाद में ये लाया। इट इज अ रिएक्टिव, इनकी बैंड बजी फिर उन लोगों के चलो कुछ तो करते हैं, ये रिएक्टिव है, दे हैड टू चेंज देमसेल्फ। समझ गए, प्रोएक्टिव रिएक्टिव का डिफरेंस समझ गए। सोच समझ कर जब आप कुछ बनाते हो, कुछ गलत होने से पहले ये प्रोएक्टिव कर लेना, गलत होने ना दे। इंस्टाग्राम को लाना फेसबुक के लिए प्रोएक्टिव था, पर जब मजबूर होकर आप कुछ निर्णय लेते हो ना, आपकी वाट लगी, आप मजबूर हुए और आप तब कुछ करते हो ना, इट्स कॉल्ड एज रिएक्टिव। आपके इसमें कुछ बचता नहीं है। आइडिया बोलता है अब मैं 5G लेकर आऊंगा, अब रिएक्टिव है वो, और जो 4G जब वो लगा रहा था जियो, वो प्रोएक्टिव था, इसके पहले घटना घड़े वो प्रोएक्टिव था। प्रोएक्टिव रिएक्टिव का फर्क समझता है। अपने एसपीसी वाज द फर्स्ट क्लास टू स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग, तो किसने लाया नहीं था। तो एक दिन मैं ऐसे नेटफ्लिक्स देख रहा, मैं हॉटस्टार देख रहा, मैंने कहा ये क्यों नहीं होना चाहिए, इट वॉज अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। फिर अपना देख देख के अगर कोई और कॉपी करेगा, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं एसपीसी वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट ओटीटी एंड लाइव स्ट्रीमिंग, इसमें डाउट ही नहीं है, इट वॉज अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। आप कहते हैं सर आपको क्या फायदा हुआ सब्जेक्ट से, ये प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी ने कहा था भाई तू प्रोएक्टिव बन। आई एम टेलिंग यू दिस सब्जेक्ट हैज गिवन मी लॉट ऑफ बेनिफिट्स, दिस सब्जेक्ट वॉज ब्लेसिंग फॉर मी।
दिस सब्जेक्ट हैज टॉट मी लॉट ऑफ थिंग्स कि कैसे करना चाहिए. तो आप भी जब पढ़ रहे हो ना इसे, डोंट रीड इट कि ऐसे में पढ़ रहा हूं. आप ये देखो कि आप अपने धंधे में ये सब करना है. हमें प्रोएक्टिव बनना है हमेशा. रिएक्टिव बनने के बाद में खर्चा उतना ही लगता पर फायदा उतना नहीं होता. अगर मैं एक साल बाद लाइव स्ट्रीमिंग चालू करता तब तक तो कस्टमर का रूट चेंज हो जाता. और फिर फॉलोअर मत बनो यार. यू शुड बी द ट्रेंड सेटर. कम ऑन, देन यू गिव नो, यू शुड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. समझ में आ रहा है? तो उसका फायदा आपको ज्यादा मिलता है. लोगों को कॉपी करेंगे आप, 10 लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर भी लेंगे तो उनको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना एसपीसी को मिला. एबल टू अंडरस्टैंड दिस? वैसे तो एसपीसी वाज़ द फर्स्ट क्लास टू स्टार्ट सीए लाइव फाउंडेशन का लाइव स्ट्रीमिंग. तो देख लिया था कि कोविड चल रहा था. मेरी बहुत लोगों से बात हो रही थी जो चाइना में थे. चाइना में क्या है, मेरा दोस्त के क्लाइंट्स चाइना में थे. वो कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था. तो बोलता था इधर, वो क्या करता, टॉयज इंपोर्ट करता था. तो बोलते उधर बहुत लोग बोल रहे हैं, उधर बहुत बड़ी वेव आने वाली. तो उधर कहता ना सितंबर अक्टूबर नवंबर से 2019 से चालू हो गया था. तो बोल रहा है उधर से हमारा इंपोर्ट बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया. तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है. तो मैंने सोचा कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा. तो दिन फिर तब वो अपने इंडिया में जब हिट किया तब तक मेरा माइंड सेट बन चुका था लॉन्च करना है. तो मार्च में यार अपन ने मई में तो लाइव स्ट्रीमिंग लॉन्च कर दिया था. तो इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ने लाइव स्ट्रीमिंग किया होगा तब. ऐसा ये सारी चीजें उसको बोलते प्रोएक्टिव. ओके एवरीबॉडी, हे गाइस आर यू देयर? यस सर. हे गाइस आर यू देयर? आर यू देयर? कम ऑन. हाँ तो चलो ना प्रोएक्टिव का एग्जांपल लिखिएगा आप. लिखिए प्रोएक्टिव. होंडा आपको देखना है, होंडा का ईवी का. ये देखो रिकॉर्ड ऑनलाइन दिया उसने लिख के. देखो होंडा लॉन्चिंग, होंडा इज लॉन्चिंग ईवी. When will Honda launch? देखो Honda in April 2021 has announced to roll out new electronic vehicle 2024. जब उसकी electronic vehicle आ जाएगी market में, मतलब जब बहुत सारे लोग तब तक market में उसकी आ चुकी होगी. ये बताओ क्या कर रहा है वो? Proactive है ना? ये बस यही example लिखो as it is. क्या लिखा आपने? Honda is launching EV. देखो टाटा ने भी लॉन्च कर दी कार्स. टाटा की तो कितनी कार्स है यार. टाटा की बहुत खूबसूरत कार है यार. देखो ना टाटा का ईवी देखा है आपने? अरे टाटा मतलब एक नंबर है भाई अभी फिलहाल तारीफ में. हाँ टाटा है, मतलब ये टाटा ईवी कार्स बहुत बहुत अच्छी चीज, सुंदर कार है. देखो एकदम मस्त मस्त. देखो टाटा की बहुत बढ़िया कार है. ये क्या है? प्रोएक्टिव है. इसके पहले बाजार में इसका डिमांड चालू हो जाएगा और रतन टाटा विल बी द फर्स्ट वन टू हैव EV. बहुत अच्छी अच्छी कार है. We are here to take a first look at the Tata Motors e-Vision. And the drill starts right from the tip of the headlamp and goes all. Actual car would come with smaller wheels, which are definitely more practical for our. However, a bit of course. Tata wants to show that they want to get into the electric vehicle space with this one, and hence this is called the e-Vision, and it proudly gets the EV badge here. At the rear, you again have slim looking tail lights and a rear diffuser. I will just try to show you different angles of the car. दूसरा एग्जांपल आपके पास. Now you can buy it. अभी बाजार में अवेलेबल है ये. ये कार्स आ गए ना अभी रतन टाटा के शोरूम में, सारी ईवी कार्स अभी अवेलेबल हो गई. Now you can start buying. कुछ आ गई कुछ आना बाकी है.
देखो, सैल्यूट टू मिस्टर टाटा फॉर फाइव न्यू अपकमिंग टाटा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स. ये 5 महीने पहले का न्यूज है. नेक्सॉन ईवी, हाँ ये आ गया देखो, नेक्सॉन ये चल रहा है बहुत. के शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है. कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे. मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. आज भाई कोई पेट्रोल गाड़ी नहीं खड़ी, आज कोई डीजल गाड़ी नहीं खड़ी, आज खड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा. ये तो इलॉन मस्क, इलॉन मस्क का काम है ये सब. तो अभी देखो, अभी आपने लिखा नहीं है, अब लिखो रिएक्टिव का एग्जाम्पल लिखो. अभी ये प्रोएक्टिव थे दोनों भी एग्जाम्पल है. रतन टाटा की कार लॉन्च एंड होंडा की बाइक लॉन्च. अब कौन सा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग? रिएक्टिव, यानी कि आपको बर्बाद हो गया फिर कर रहे हो, ठीक है ना. अब देखो यहां पे एग्जांपल को, नैनो. नैनो हैज चेंज लॉट ऑफ इट्स फीचर्स आफ्टर बिग फेलियर. उन्होंने आज उसके उसके अंदर वो भी डाल दिया एयरबैग्स. ये देखो कार में लग गया. नैनो हैज चेंज इट्स अ लॉट ऑफ फीचर्स आफ्टर बिग फेलियर. ये से सब ऐसे नई ले लेके खराब हो गई, आग लग गई उसको. तो इसके बाद में उन्होंने बहुत चेंजेस किए. देखो न्यू नैनो हैज गॉट लॉट ऑफ न्यू फीचर्स. कौन से फीचर्स हैं उनके पास? एयरबैग्स, पावर स्टेयरिंग, पावर विंडो. पावर विंडो समझता है क्या? पावर विंडो, एसी, बेटर म्यूजिक सिस्टम. न्यू लुक्स, न्यू कलर. ठीक है, ये था रिएक्टिव. तो एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव? गाइस कम ऑन, हाँ समझ गया? कोई डिफरेंस, कोई फर्क इसमें, कोई प्रॉब्लम है आपको? यहां पे देख लो क्या लिखा है. एक दो लाइन पढ़ूंगा बस, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हो गया है, ठीक है ना. इधर देख लो, अ कंपनी यूजेस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. अरे बोलो ना. प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी इज अ प्लान स्ट्रेटजी, वेयर एज अ रिएक्टिव इज अडैप्टिव. प्लान यानी कि होंडा जो अभी कर रहा है, ये प्लान कर रहा है अपन ऐसा करना है. और जब अपने स्ट्रेटजी लगाई फिर भी वो सही नहीं चल रही तो आप उसमें चेंज करते हो. और जो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कर रही है वो नहीं चेंज चल रही. अरे पहले आपने क्या करा था? सूर्य कुमार यादव को लिया, बोले अच्छा खेलेंगे अच्छा खेलेंगे. वो वाला 3 मैच में आउट हो गए, तो चौथे मैच में आपने किसी और को बंदे बुलाया. तो दैट इज रिएक्टिव. तो सूर्य कुमार यादव को लाना प्रोएक्टिव, उसके बदले में किसी और को लाना रिएक्टिव. वैसा है ना, प्रोएक्टिव स्टडीज अ प्लान, अंडरलाइन द वर्ड प्लान. और अडैप्टिव क्या है? चेंजिंग, जैसा चेंज होगा उसके हिसाब से. मैं आपको एक सवाल पूछूं, हमने बहुत पुराने एग्जाम्पल देख देख के सोच समझ के साजिश रचाई, पिछले 10 साल का एनालिसिस किया और हम बहुत होशियार बने और उसके हिसाब से काम किया. प्रोएक्टिव है ना, मतलब हमने सोच समझ के सूझबूझ के साथ देखा ना. बिगेस्ट पोर्शन ऑफ कंपनीज करंट स्ट्रेटजी फ्लोज फ्रॉम द प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस, है ना. पिछले 10 साल के दिवाली का सेल देखा, मैं जींस का मैन्युफैक्चरिंग वाला हुआ और मैं देखता हूं कि कितना प्रोडक्शन होता है वहां पे, कितना सेल होता है. तो इस साल उसके हिसाब से हमने प्रोडक्शन किया, है ना. तो मैं प्लान कर रहा हूँ, यानी वो कुछ गलत ना हो इसलिए प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव में कुछ गलत नहीं होने देंगे, फिर भी कुछ गलत हो ही गया तो हम जो चेंज करते हैं ना उसको रिएक्टिव कहते हैं. दिस पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट गेम्स प्लान इज व्हाट डिलिबरेट एंड प्रोएक्टिव स्टैंडिंग एज द फैक्ट. बताओ आपके हिसाब से क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा? दे शुड बी ऑलवेज प्रोएक्टिव घटना, ताकि आप लॉस नहीं भुगते. पर अगर मान लो उसके पश्चात में अगर कुछ हो ही जाता है, कभी कभी हो जाता है कि आपने बहुत सोचा फिर भी नहीं चला, सूर्य कुमार बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, लिए वाला इंटरनेशनल में खेला ही नहीं, तो उसके अंदर यू हैव टू चेंज. देन यू बिकम प्रोएक्टिव. नॉट एवरी स्ट्रेटजी मूव इज द रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव प्लान. हर कोई चीजें प्रोएक्टिव नहीं थी, कभी कभी हमें रिएक्टिव भी बनना पड़ता है. थिंग्स हैपन दैट कैन नॉट बी फुली एंटिसिपेटेड, समझा क्या? अब सूर्य कुमार खेलेंगे अच्छा या हमें लग रहा था पर वो नहीं खेला तो क्या करेंगे? अब हमें लग रहा था नैनो सही चलेंगी, नहीं चली, अब चेंज करना पड़ा. अरे बोलो ना. तो हम जो हम हमेशा हर आदमी कोई भी कोई इंसान नुकसान के लिए स्ट्रेटजी क्यों बनाएगा? वो हमेशा प्रोएक्टिव करके अच्छा बना ही लेता है. पर अगर मान लो उसकी वो नहीं चले तो क्या करेगा ना उसमें? अभी मान लो बहुत लोग कोविड में धंधे बर्बाद हो गए, बहुत लोगों ने सोचा था ये करेंगे, अभी कुछ लोगों ने फरवरी में दुकान चालू करी,
फरवरी में सीसीडी बंद, एक बंदे ने सीसीडी चालू किया कैफे कॉफी डे का, मॉल में लिया फरवरी में ओपनिंग करके, बहुत लोगों को बुला के, फिर क्या करेंगे आप? दो साल से तो मॉल बंद है, अब उसको रेंट देने का काम नहीं, अब वो बंद करेंगे, आप क्या कर रहे हो? रिएक्टिव कर रहे हैं, और चालू कर रहे तब प्रोएक्टिव, और ना बंद कर रहा था वो, वैसा ही था। देखो, व्हेन द मार्केट एंड कॉम्पिटेटिव कंडीशंस टेक्स एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, समझा क्या? सीसीडी लॉन्च की थी ये सोच के कि बहुत चलेगी, पर कोविड आया, अनएक्सपेक्टेड हो गया। सम एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी स्ट्रेटजी हिट्स अ स्टोन वॉल, सम काइंड ऑफ स्ट्रेटजिक रिएक्शन इज रिक्वायर्ड, उस रिएक्शन को बोलते हैं रिएक्टिव। तो स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए? प्रोएक्टिव तो होना ही चाहिए, पर प्रोएक्टिव नहीं चले तो रिएक्टिव की क्षमता भी होना चाहिए। अपने आप को बहुत होशियार मत समझो, प्रोएक्टिव प्रोएक्टिव करेंगे, पर कभी कभी चीजें चेंज होती है, अपने रिएक्टिव ही होना चाहिए। yes, सही लिखा, आई थिंक इट इज ओवर गाइस। यह लिखा है, हियंस द पोर्शन ऑफ कंपनी स्ट्रैटेजी ऑलवेज डेवलप्ड एज अ रिस्पॉन्स टू अनफोर्सिंग डेवलपमेंट, यानी कि रिएक्टिव हमेशा वो होता है जो हमने सोचा ना था वैसा हुआ, तो फिर आपको अभी नैनो में आग लगेंगे ऐसे के? पहले अगर मालूम था आग तो वो क्यों लगाते बेचारे ऐसी कार, उनके उनको भी पता नहीं था आग लग जाएंगी। ओके, थैंक यू गाइस, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, शाम में मिलेंगे एफएम के साथ में, विल स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स। आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन, और दोस्तों ये लगातार लाइव स्ट्रीमिंग के चार लेक्चर हम लोग एसएम पे यूट्यूब पर आएंगे, और उसके बाद में हम लोग वापस से एसपीसी प्लेयर पर, ये सारे लेक्चर जो है जो इस समय देख रहे हैं, ऑल दिस लेक्चर्स ऑफ ईएएस एज वेल एज एसएम ऑफ लेटेस्ट बैच इज अवेलेबल ऑन swapnilpatin.com, अगर आप उसकी पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव लेना चाहते हो। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।